आगे सबक देखिए भाई, व इन तज़व्वज हुर्रुम रअतन अला खिदमतिही इय्या हसनतन औ अला तालीमिल कुरआन फलहा महरु मिस्लिहा। वकाल मुहम्मदुन रहिमहुल्लाहु तआला लहा क़ीमतु खिदमतिही सनतन। وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً جَازَ وَلَهَا خِدْمَتُهُ। بھئی گزشتہ سبق میں صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ چاہے خلوت صحیحہ ہو یا خلوت فاسدہ ہو دونوں صورتوں میں عورت پر عدت واجب ہوگی بھئی। कियास तो ये तकाजा करता है कि खलवत फासिदा की सूरत के अंदर चूंकि मानिया मौजूद है लिहाजा औरत पर इद्दत वाजिब नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस्तेहसानन जो है औरत पर इद्दत को वाजिब करार दिया गया बतौर एहतियात के, इसलिए क्योंकि शक होता है वहम होता है कि शायद औरत का रहम मशगूल हो चुका हो। इन तमाम मवानिया के बावजूद हो सकता है सोहबत कर ली गई हो और औरत हामिला हो चुकी हो, और फिर बाद में बेशक ये खावंद और बीवी भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन याद रखो ये जो इद्दत वाजिब होती है ये शरीयत का हक है। शरीयत ने हुक्म दिया है केवल मुतल्लकातु यतरब्बसन बिअन्फुसिहिन्न सलासता कुरू, और इसी तरह ये जो इद्दत वाजिब हुई है ये उस बच्चे का हक है, ये उस हमल का हक है कि कहीं उसका नसब मुश्तबे न हो जाए। तो अगर खावंद और बीवी दोनों सोहबत का इनकार कर रहे हैं लेकिन इनके कहने की वजह से शरीयत और बच्चे के हक को बातिल करार नहीं दिया जा सकता, कोई किसी दूसरे के हक को बातिल नहीं कर सकता, तो ये शरीयत का हक है और बच्चे का हक है, लिहाजा ये इद्दत औरत पर वाजिब होगी हर हाल में। जबकि इसके मुकाबले में खलवत फासिदा की सूरत में पूरे महर को वाजिब करार नहीं दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि महर तो माल है और माल जो है वो शक की वजह से किसी पर वाजिब नहीं किया जाता भाई। और उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने आपको ये भी बतलाया था कि चार किस्म के मुतल्लकात हैं भाई। एक वो मुतल्लका है जिसको मुता देना है, यानी वो औरत जिससे निकाह करते हुए महर जिक्र नहीं किया था, वहां महर मिसल आया और ये महर मिसल सोहबत की वजह से या खावंद के सोहबत से पहले इंतकाल की वजह से पक्का हो जाता है। लेकिन अगर इसी औरत को सोहबत से पहले खावंद तलाक दे दे तो फिर महर मिसल का निसफ नहीं देना पड़ता बल्कि मुता देना पड़ता है। दूसरी सूरत यह है अगर निकाह करते हुए महर मुकर्रर किया था लेकिन सोहबत से पहले तलाक दे दी तो फिर निस्फ महर देना पड़ता है। और दो औरतें हैं वो जिनके साथ खावंद सोहबत कर ले तो उसमें अगर महर मुकर्रर किया था तो सोहबत से वो पूरा महर अब देना पड़ेगा, और अगर महर मुकर्रर नहीं किया था तो फिर महर मिसल आया और सोहबत से महर मिसल पक्का हो गया तो अब वो सारा देना पड़ेगा। तो ये जो दो औरतें हैं जिनके साथ खावंद सोहबत कर चुका और जहां पर पूरा मुकर्रा महर या पूरा महर मिसल खावंद को देना पड़ा, इन दोनों औरतों को मुता देना इंदल अहनाफ मुस्तहब है। जबकि एक औरत जिसको निस्व महर मिलता था उसको मुता देना ना वाजिब है और ना मुस्तहब है। जबकि इमाम शाफी रहमल्ला फरमाते हैं कि ये जो दो मुतल्लकात हैं जिनसे खावंद सोहबत कर चुका था इनको भी मुता देना वाजिब है। एक तो वो दलील में आयत जिक्र फरमाते हैं वलिल मुतल्लकाती मताउम बिल मारूफ के, मुतल्लका औरतों को मुता देना है अच्छे तरीके से। और नीज वो अकली दलील भी जिक्र फरमाते हैं कि ये जो मुता जो है ये शरीयत ने खावंद पर बतौर जुर्माने के वाजिब करार दिया है, इसलिए क्योंकि उसने औरत को वहशत ज़दा कर दिया है जुदाई के जरिए, उसको तलाक देकर उसे वहशत ज़दा कर दिया है और परेशानी और घबराहट में मुबतला कर दिया है, लिहाजा अब खावंद के जिम्मे है कि वो औरत को मुता दे। अलबत्ता वो औरत जिसको निस्व महर मिलता है उसके बारे में इमाम शाफी रहमल्ला फरमाते हैं उसको मुता नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वहां पर शरीयत ने जो निस्व महर वाजिब करार दिया है वो भी मुता ही के तरीके पर है, वरना तो कियास ये तकाजा करता है इस औरत को भी कुछ नहीं मिलना चाहिए
क्योंकि सोहबत से पहले खावन ने तलाक दे दी तो औरत से मनाफे बुझा खावन ने वसूल ही नहीं किए, तो लिहाजा औरत उसी हालत पर है जिस तरह निकाह से पहले थी। तो गोया ये हुई तो तलाक है लेकिन ये फसख के दर्जे में है ये, और जब फसख हो फिर तो औरत को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, कियास ये तकाजा करता है। लेकिन शरीयत ने निस्व महर को वाजिब करार दिया तो ये मुता ही के तरीके पर है, लिहाजा एक मुता इस औरत को मिल रहा है तो दूसरा मुता वाजिब नहीं करार दिया जाएगा, क्योंकि मुता के अंदर तकरार नहीं होता भाई। जबकि हमारे नजदीक ये जो मुता आता है ये महर मिसल का कायम मकाम है। मालूम हुआ महर या महर में से कुछ हिस्सा आ रहा हो तो वहां मुता वाजिब नहीं हो सकता भाई। लिहाजा वो दो औरतें जिनको पूरा महर दिया जा रहा है, एक को मुकर्ररा महर और एक को महर मिसल, तो उन दोनों के लिए मुता वाजिब करार नहीं दिया जा सकता। और नीज आपने कहा कि शरीयत ने बतौर जुर्माने के खावंद पर यह मुता वाजिब किया है, तो हम कहते हैं कि खावंद ने जो औरत को तलाक दी ये तो हम भी तस्लीम करते हैं कि खावंद ने औरत को वहशत ज्यादा किया, लेकिन इस वहशत ज्यादा करने में वो खावंद मुजरिम नहीं है, इसलिए क्योंकि तलाक की शरीयत ने उसको इजाजत दी है, और जिस चीज की शरीयत ने किसी को इजाजत दी हो उसके करने में वो मुजरिम नहीं होता भाई। लिहाजा खावंद पर जुर्माना वाजिब करार नहीं दिया जा सकता। जब खावंद पर यह जुर्माना नहीं है लेकिन फिर भी वो अदा कर रहा है, मालूम हुआ यह फजल और एहसान के बाब से है, यानी यह मुस्तहब है, खावंद पर कोई वाजिब नहीं है भाई। उसके बाद निकाह शिगार का मसाला आया था और मैंने आपको बतलाया था कि जाहिलियत के अंदर यह निकाह शिगार हुआ करता था कि एक शख्स जो है अपनी बहन या बेटी का निकाह दूसरे शख्स से करवाता था, इस शर्त पर कि वो अपनी बहन या बेटी का निकाह इससे करवाएगा और महर कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें दोनों तरफ से लड़की होती थी और महर न होने की शर्त होती थी, यानी वो जो औरतें हैं उन्हीं को एक दूसरे का महर करार दे दिया जाता था। तो इससे हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है भाई। शिगार का माना भी है खाली करना, तो इसके अंदर भी देखो दोनों निकाह महर से खाली कर दिए जाते थे, महर नहीं होता था, तो बिल इत्तेफाक निकाह शिगार बातिल है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। लेकिन अगर कोई कर ले फिर उसका क्या हुक्म है, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह शिगार बातिल है भाई, बातिल है। जबकि हमारे नजदीक इंद अल अहनाफ निकाह शिगार बातिल है लेकिन अगर कोई कर लेगा तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा, अलबत्ता फिर वहां दोनों औरतों के लिए महर मिसल आ जाएगा जी। और जब महर मिसल आ गया तो अब खराबी खत्म हो गई। खराबी यह थी कि महर था ही नहीं, तो इस पर इमाम साहब पर इश्काल होता है कि एक चीज को हदीस में मना किया गया आप उसको कैसे जायज करार दे रहे हैं, तो जवाब यह कि हदीस में जिस निकाह शिगार से मना किया गया है वो और चीज है, वहां महर होता ही नहीं, और इमाम साहब जिस निकाह की इजाजत दे रहे हैं वो और चीज है, वहां दोनों के लिए महर आ रहा है, लिहाजा वो खराबी खत्म हो गई जिसकी वजह से हदीस में मना किया गया था। और मैंने बताया ये सिर्फ इमाम साहब का मजहब नहीं है, और भी बहुत से फुकहा यही फरमाते हैं, तो इस सूरत में खराबी खत्म हो गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं निकाह शिगार बातिल है, एक तो हदीस में आया और नीज वो फरमाते हैं, वो अकली दलील भी देते हैं, कहते हैं इसलिए क्योंकि इस सूरत में एक ही औरत खावंद की मनकूहा भी हुई और दूसरी औरत के लिए महर भी बन गई, तो गोया मुनाफे बुजा के अंदर शिरकत आ गई। निस्व मुनाफे जो है उनका मालिक खावंद हुआ निकाह की वजह से, और निस्व मुनाफे की मालिक दूसरी औरत हुई क्योंकि ये उसका महर है और औरत अपने महर की मालिक होती है, तो लिहाजा यहां मुनाफे बुजा के अंदर इश्तराक आया, और हालांकि मुनाफे बुजा के अंदर तो इश्तराक नहीं आ सकता, लिहाजा ये ईजाब ही बातिल है, और जब ईजाब बातिल तो ये निकाह ही बातिल हो गया। जबकि हमारे नजदीक इस निकाह के अंदर इन्होंने ऐसी चीज को महर करार दिया है जो महर बनने की सलाहियत ही नहीं रखती, तो लिहाजा मुनाफे बुसा वो तो महर बनने की सलाहियत ही नहीं रखते, और जब महर में ऐसी चीज जिक्र की जाए जो महर बनने की सलाहियत ही नहीं रखती जैसे शराब और खिंजीर है, तो वहां फिर बिल इत्तेफाक महर मिसल आता है, तो यहां भी महर मिसल आ जाएगा। तो इन्होंने जो महर न होने की शर्त लगाई थी वो शर्त फासिद थी, और निकाह जो है वो शर्त फासिद से फासिद नहीं होता, तो निकाह सही हो जाएगा और वो शर्त फासिद हो जाएगी वो जो महर न होने की शर्त लगाई थी।
और इन्होंने ऐसी चीज जिक्र की महर में जिसमें महर बनने की सलाहियत ही नहीं है। तो यूं समझो गोया महर को जिक्र ही नहीं किया गया, और जब महर को जिक्र ही ना किया जाए तो वहां महर मिसल आता है, इसलिए यहां पर महर मिसल आ गया भाई। और फिर जवाब दिया इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमा रहे थे कि इस ईजाब की वजह से शिरकत आ रही है, लिहाजा ईजाब ही बातिल है। हम कहते हैं कि यहां शिरकत नहीं आ रही, वजह यह है कि एक औरत दूसरी औरत के मुनाफे बुसा की मालिक बन ही नहीं सकती, उसमें यह सलाहियत और इस्तेहकाक ही नहीं है। मर्द तो निकाह की वजह से एक औरत के मुनाफे बुसा का मालिक बन सकता है, लेकिन कोई औरत दूसरी औरत के मुनाफे बुसा की मालिक ही नहीं बन सकती। तो जब दूसरी औरत ने मुनाफे बुसा का मालिक बनने की न सलाहियत है न अहलियत है न उसमें इस्तेहकाक है, तो लिहाजा शिरकत आई ही नहीं। शिरकत तो तब आ सकती थी अगर उसमें इस्तेहकाक होता, जब उसमें इस्तेहकाक ही नहीं है तो शिरकत भी नहीं आ सकती। अलबत्ता इन्होंने शर्त फासिद जिक्र की है, वो फासिद हो गई और निकाह सही हो गया। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। व इन तज़व्वज हुर्रुम रअतन अला खिदमतिहि इय्याहा सनतन औ अला तालीमिल कुरान फलहा महरु मिस्लिहा। وقال محمد رحمه الله تعالى لها قيمة خدمته سنة। सूरत मसला ये, एक आजाद शख्स ने एक औरत से निकाह किया और महर ये मुकरर किया कि मैं एक साल तक तुम्हारी खिदमत करूंगा, या महर ये मुकरर किया कि मैं तुम्हें कुरान की तालीम दूंगा। तो याद रखो महर का तो माल होना जरूरी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अंतब तगू बी अमवालिकुम, कि और औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, तुम उनको अपने मालों के जरिए तलाश करो। मालूम हुआ महर तो जरूर देना पड़ेगा और महर माल होना चाहिए, जबकि आजाद आदमी की खिदमत वो माल नहीं है। इसी तरह तालीमुल कुरान, कुरान की तालीम देना ये तो इबादत है भाई, लिहाजा ये भी माल नहीं है। तो इस शख्स ने तो इन चीजों पर निकाह किया है तो ऐसी चीज जिक्र कर दी जो माल है ही नहीं। तो ये ऐसे ही हुआ जैसे कोई महर जिक्र ही नहीं किया। तो इस सूरत में महर मिसल आ जाएगा, अब खावंद को महर मिसल देना पड़ेगा इस औरत को। बात समझ में आ गई भाई। यहां तमहीद के तौर पर एक दो बातें याद रखें। याद रखो ये जो मुनाफा है ये हमारे नजदीक माल नहीं। मसलन आप एक महीने के लिए एक घर किराया पर लेते हैं, अब देखो आप इस घर के मालिक बने हैं या इस घर में रिहाइश के मालिक बने हैं। रिहाइश के मालिक बने हैं यानी इस घर के मुनाफा के आप मालिक बने हैं। और इसी तरह मसलन कोई आप कोई काम करना चाहते हैं, अकेले नहीं कर सकते, तो आप दो चार मजदूर ले आते हैं, वो आपके लिए ये काम करते हैं। तो ये जो दो चार मजदूर जो आप उजरत पर लाए, क्या आप इनकी जात के मालिक बन गए या इनकी खिदमत के मालिक बन गए? खिदमत के मालिक बन गए कि ये सारा दिन आपके लिए काम करेंगे और आप इन्हें उजरत देंगे। सूरत समझ में आ रही है? तो ये जो मुनाफा है, या इसी तरह आपको सफर के लिए गाड़ी की जरूरत है लेकिन आपके पास अपनी गाड़ी नहीं, तो आप किराए पर गाड़ी लाते हैं। अब जब आप किराए पर गाड़ी लाए तो क्या आप इस गाड़ी के मालिक बन गए या गाड़ी के मुनाफा के मालिक बने हैं? गाड़ी के मुनाफा के मालिक बने हैं कि आप इसमें सफर कर सकते हैं जितनी देर के लिए आप किराए पर लाए हैं इसको। तो देखो मुनाफा की उजरत तो ली जाती है आमतौर पर, लेकिन याद रखो ये जो मुनाफा है ये असल में माल नहीं। माल उसको कहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ बका हो, मुनाफे में बिल्कुल बका नहीं है भाई। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, आपका एक मकान है आप किराए पर देना चाहते हैं, आप पूरा साल किसी को किराए पर न दें और इस सारे साल की रिहाइश को जमा करते जाएं और फिर सारी इकट्ठी ही किसी एक आदमी को एक महीने के लिए दे दें? नहीं, आप उस रिहाइश को जमा नहीं कर सकते, क्योंकि रिहाइश मुनाफा है और मुनाफा में बका नहीं।
एक लम्हे के जो मनाफिया हैं अगले लम्हे के अंदर वो मनाफिया खत्म हो चुके, नए मनाफिया आ गए, उससे अगले लम्हे के अंदर वो मनाफिया भी खत्म, नए मनाफे आ गए। तो हर हर लम्हे में नए नए मनाफे आ रहे हैं और साबका मनाफे खत्म होते जा रहे हैं। तो मुनाफा के अंदर बका नहीं, कोई एक भी नफा जो है दो जमानों तक बाकी नहीं रहता, हर नफा एक एक लम्हे के साथ साथ खत्म होता चला जा रहा है। तो जब मुनाफा के अंदर बका नहीं तो मालूम हुआ ये माल भी नहीं। माल तो उसको कहते हैं जिसको इंसान जमा तो रख सके, कुछ तो उसके अंदर बका हो, मसलन सोना चांदी या दिरहम दीनार हैं। देखो ये तो आप जितना अरसा मर्जी संभाल कर रखें या आपके पास महफूज हैं तो ये माल हैं। इसी तरह आप जो भी माल देख लेंगे उसमें बका जरूर होगी, किसी में थोड़ी बका होगी, किसी में ज्यादा बका होगी। गंदुम वगैरह है, देखो उसके अंदर कई माह तक उसमें बका होगी, दिरहम और दीनार में तो सालों तक बका रहेगी, लेकिन गंदम के अंदर इतनी ज्यादा बका नहीं, लेकिन बहरहाल बका उसके अंदर जरूर है। तो माल उसको कहते हैं जिसमें बका हो और मुनाफा में बका नहीं, लिहाजा ये माल ही नहीं, ये माल ही नहीं। तो अब आपके जहनों में इश्काल आएगा कि जब मुनाफा माल नहीं, इनका इवज तो लिया जाता है, इनकी कीमत तो ली जाती है। आप मकान किराए पर देते हैं तो देखो आपने मकान के मुनाफा दूसरे के हवाले किए हैं और आप किराए के अंदर पैसे वसूल कर रहे हैं, या आप मजदूर लाए हैं, आप उनके मुनाफा के मालिक बने हैं तो आप उनको उजरत दे रहे हैं, तो आप उनको उजरत दे रहे हैं, तो मुनाफा की कीमत तो दी जाती है। और आप हमें क्या बतला रहे हैं कि मुनाफा माल नहीं, तो याद रखो जाबता यही है, मुनाफा में बका नहीं, लिहाजा वो माल ही नहीं है। लेकिन शरीयत ने मुनाफे की कीमत लेने की इजाजत दी और मुनाफे को माल करार दिया जरूरत और हाजत की वजह से, क्योंकि इंसान मोहताज है, उसको जरूरत पेश आती है, तो इसलिए शरीयत ने मुनाफा को माल करार दे दिया, उनकी कीमत लेने की इजाजत दे दी, वरना हकीकत के एतबार से मुनाफा माल नहीं, क्योंकि इनमें बका ही नहीं। तो इंसान मोहताज था, जरूरतमंद था। किस तरह मोहताज था? मसलन एक आदमी का अपना मकान नहीं है तो वो मोहताज है कि वो कोई मकान किराए पर ले और उसमें रहे, तो देखो उसको एहतियाज है मकान की। या इसी तरह एक काम है, आप अकेले नहीं कर सकते, मकान बनाना है या कमरा बनाना है तो आप मजदूरों को लेकर आते हैं, आप मिस्त्री को लेकर आते हैं, तो देखो आपको हाजत है, आपको हाजत है, जरूरत है भाई। तो इसलिए शरीयत ने इंसान की जरूरत और हाजत की वजह से मुनाफा को माल करार दिया, मुनाफे की कीमत लेने की इजाजत दी। भाई बात समझ में आ गई? तो एक तो यह साबता हो गया कि मुनाफे जो हैं वो हकीकत में माल नहीं, शरीयत ने उनको सिर्फ हाजत और जरूरत की वजह से माल करार दिया है। दूसरी बात यह याद रखना कि ये जो इमामत है, नमाज पढ़ाना, या इसी तरह अजान देना, या इसी तरह कुरान की तालीम देना, या इसी तरह किसी को दीन की तालीम देना, याद रखो ये सब इबादत हैं, इबादत की कबील से हैं। और इबादत तो अल्लाह के लिए की जाती है, इबादत की उजरत लेना जायज नहीं। चुनांचे मुतकद्दिमीन फरमाते थे कि इन चीजों की उजरत लेना जायज नहीं। अगर कोई शख्स इमामत करवाता है तो उजरत नहीं ले सकता, वजह यह कि वह नमाज पढ़ रहा है और नमाज तो उसके जिम्मे वैसे भी है भाई, तो ये तो इबादत है भाई, लिहाजा इसकी वो उजरत नहीं ले सकता। कोई शख्स अजान दे रहा है भाई, अजान तो वैसे भी मुसलमानों के जिम्मे है कि वो नमाज के लिए अजान देंगे, तो लिहाजा ये इबादत है, इसकी उजरत नहीं ली जा सकती। या इसी तरह कोई किसी को कुरान की तालीम देता है तो ये भी इबादत है भाई, अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहा है, लिहाजा इसकी उजरत वो नहीं ले सकता। यह मुतकद्दिमीन का फतवा था। तो मुतकद्दिमीन के नजदीक इमामत, अजान, तालीमुल कुरान और इसी तरह दीनी तालीम देना, ये सब क्या है? इबादत की कबील से हैं, लिहाजा इनकी उजरत लेना जायज नहीं। लेकिन मुताखिरीन ने बाद में इन चीजों की उजरत लेने की इजाजत दी। वजह यह कि मुताखिरीन फुकहा फरमाते हैं कि अब दीनी उमूर के अंदर सुस्ती आ गई है, तो अगर इन चीजों की उजरत लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो दीन के बहुत से कामों में हरज लाजिम आएगा भाई। इसलिए अब
इन चीजों की उजरत लेना जायज है। कोई शख्स इमामत करता है तो उसके लिए उजरत लेना जायज, कोई शख्स अजान देता है उसके लिए उजरत लेना जायज है, कोई शख्स तालीम कुरान देता है या दीन की तालीम देता है तो उनके लिए उजरत लेना जायज है। और दरअसल कहते हैं ये उजरत इस चीज की नहीं है, ये उजरत तालीम की नहीं है, बल्कि ये उजरत अपना वक्त जो दिया है ये उस वक्त की उजरत है। ये किस चीज की उजरत है कि जो उस शख्स ने अपना वक्त मुतय्यन कर दिया इस काम के लिए, मुख्तस कर दिया है, तो ये उसके वक्त की उजरत दी जा रही है, इबादत की नहीं भाई। इबादत तो अल्लाह के लिए होती है, उसकी उजरत नहीं हुआ करती भाई। तो लिहाजा मुताखिरीन ने इनकी उजरत लेने की इजाजत दी। अब मसला यह है, मसला यहां जिक्र इन्होंने किया कि एक आजाद शख्स ने एक औरत से निकाह किया और महर यह तय किया कि मैं एक साल तुम्हारी खिदमत करूंगा। तो भाई महर का तो माल होना जरूरी है और आजाद आदमी की खिदमत तो माल नहीं। इजारे के अंदर शरीयत ने जरूरत की वजह से इजाजत दी थी, लोग क्या हैं उसके मोहताज हैं, लोगों को हाजत थी, लिहाजा इजारा जो है यानी किराए पर चीजें लेना उसके अंदर शरीयत ने मनाफिया को माल करार दिया था। लेकिन यहां पर महर के तौर पर वो अपनी खिदमत पेश कर रहा है, यहां उसकी खिदमत को माल करार नहीं दिया जा सकता। तो मनाफे असल में माल नहीं, लेकिन इजारे के अंदर शरीयत ने उनको माल करार दिया, उनकी कीमत लेने की इजाजत दी। किस वजह से? इंसान की जरूरत और हाजत की वजह से, और महर के तौर पर खिदमत को मुकरर करने की कोई हाजत और जरूरत नहीं। तो लिहाजा अगर आजाद आदमी ने अपनी खिदमत को महर के तौर पर मुकरर किया है तो ये माल नहीं। जब माल नहीं तो महर तो जरूर आना है, और महर भी माल होना चाहिए। तो फिर ये इसी तरह होगा जैसे महर कुछ जिक्र ही नहीं किया, और जब महर जिक्र ही नहीं किया तो महरे मिसल आता है, तो लिहाजा यहां महरे मिसल आएगा। और इसी तरह अगर तालीम कुरान को महर मुकरर किया, भाई तालीमुल कुरान ये भी माल नहीं है, लिहाजा यहां पर भी महरे मिसल आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह इन तजवज हुर्रुम्रअतन, अगर निकाह किया किसी आजाद आदमी ने इमरातन किसी औरत से, अला खिदमत ही या सनतन इस शर्त पर कि वो उसकी खिदमत करेगा एक साल तक, औ अला तालीम कुरआनी या कुरान की तालीम पर उससे निकाह किया, फलहा महरु मिसलिहा तो उस औरत के लिए महर मिसल होगा। वकाल मुहम्मद रहमहुल्लाह लहा कीमत खिदमत ही सनतन। इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह शेखैन रहमहुल्लाह से इख्तिलाफ करते हैं खिदमत वाले मसले में। तालीम कुरान में तो वो भी इतफाक करते हैं, शेखैन रहमहुल्लाह भी फरमाते थे तालीमुल कुरान को अगर महर मुकरर किया है तो वहां महर मिसल आएगा। इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह भी फरमाते हैं कि तालीमुल कुरान की सूरत में महर मिसल आएगा। अलबत्ता अगर आजाद शख्स ने अपनी खिदमत को महर मुकरर किया है तो इस सूरत में इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आजाद आदमी की खिदमत माल है। शेखैन रहमहुल्लाह के नजदीक तो आजाद आदमी की खिदमत माल नहीं, क्योंकि ये मुनाफिया हैं और मुनाफिया माल नहीं। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आजाद आदमी की खिदमत भी माल है। जैसे इजारे के अंदर भाई इस खिदमत की कीमत लेना जायज है, तो लिहाजा ये मालूम हुआ माल है भाई। लेकिन यहां पर कल्ब मौजू लाजिम आता है। क्या लाजिम आता है? कल्ब मौजू लाजिम आता है। तो यहां कल्ब मौजू लाजिम आता है इसलिए क्योंकि निकाह तो इसलिए मुकरर किया गया है कि औरत खादिमा होगी और खावन जो है वो मखदूम होगा, औरत खिदमत करने वाली होगी। लेकिन यहां खावंद ने अपनी खिदमत पर निकाह किया है तो खावंद खादिम बन रहा है और औरत मखदूमा बन रही है। तो यहां तो कल्ब मौजू लाजिम आ रहा है। कल्ब, कल्ब का माना पलटना, पलटना उलट देना, और मौजू वो चीज जिसको वजा किया गया है, वो चीज जिसको मुकर्रर किया गया है। निकाह को तो इसलिए मुकर्रर किया गया था कि औरत खादिमा होगी, लेकिन यहां कल्ब मौजू लाजिम आया, इस मुकर्रर की हुई चीज को उल्टा देना लाजिम आ रहा है कि खावंद खादिम बन जाएगा, लिहाजा यह जायज नहीं।
तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक आजाद आदमी की खिदमत माल है क्योंकि इसका इवज लिया जाता है इजारे के अंदर। एक आदमी को जब आप मजदूरी पर रखते हैं तो आप उसको उजरत देते हैं, तो आजाद आदमी की खिदमत माल है, लेकिन यहां पर अगर वो बीवी की खिदमत करेगा तो कल्बे मौसू लाजिम आएगा, लिहाजा यहां अगर उसने अपनी खिदमत मुकरर की है तो वो खिदमत नहीं उसके जिम्मे होगी, बल्कि उस खिदमत की जो कीमत बनती है वो बीवी को देना पड़ेगी। मसलन ये शख्स, ये जो खावंद है, अगर ये किसी और के यहां मजदूरी करता, उसकी पूरा साल खिदमत करता, तो जो उजरत उसकी बनती वो उजरत अब इस बीवी को देना पड़ेगी। तो ये बीवी की खिदमत नहीं करेगा, वरना तो कल्बे मौजू लाजिम आएगा। हां, उस खिदमत की, एक साल की खिदमत की कीमत अब बीवी को लाकर दे देगा, ये माना है। وقال محمد رحمه الله और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं लहा कीमत खिदमती सनातन, कि उस औरत के लिए उस आजाद खावन की खिदमत की कीमत होगी, यानी अगर किसी और की खिदमत करता है एक साल तो जो कीमत बनती वो कीमत देना पड़ेगी। वह इन तजवजा अब्दुमरातन भी इसनी मौलाहु अला खिदमती सनातन जाजा वलहा खिदमतुहू। दूसरी सूरत, अब जो खावंद है वो गुलाम है, पिछली सूरत में खावंद आजाद था, अब एक गुलाम है, उसने अपने आका की इजाजत से एक औरत से निकाह कर लिया और इस शर्त पर कि मैं तुम्हारी एक साल खिदमत करूंगा, तो हमारे फुकाहा फरमाते हैं कि ये निकाह जायज है और गुलाम को उस औरत की खिदमत करना पड़ेगी, इस गुलाम को उस औरत की खिदमत करना पड़ेगी। तो इस पर इश्काल होता है कि आपने हमें अभी बताया कि बीवी को खादिमा होना चाहिए और यहां पर तो ये खावन खादिम बन रहा है, अगरचे गुलाम है लेकिन खादिम तो बन रहा है बीवी का, तो यहां भी तो कल्बे मौजू लाजिम आ रहा है। तो उसका जवाब आगे चलकर आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे कि भाई ये जो गुलाम उस बीवी की खिदमत कर रहा है ये अपने आका की इजाजत से उसकी खिदमत कर रहा है, और आका की इजाजत से जब गुलाम किसी की खिदमत करे तो गोया हकीकत में वह आका ही की खिदमत कर रहा है। तो यूं समझेंगे गोया ये इस बीवी की खिदमत कर ही नहीं रहा बल्कि किसकी खिदमत कर रहा है, आका की खिदमत कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इन तजवजा अब्दुमरातन भी इज़्नी मौलाहू, और अगर निकाह किए किसी गुलाम ने किसी औरत से भी इज़्नी मौलाहू अपने आका की इजाजत से आला खिदमती ही सनातन इस शर्त पर कि वह उसकी खिदमत करेगा एक साल तक जाजा तो ये जायज है, वलहा खिदमतुहु और उस औरत के लिए इस गुलाम की खिदमत ही होगी। वकाल शाफिई रहमहुल्लाह ताला लहा तालीमुल कुरान वल खिदमतु फिल वजहैन। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अगर तालीम कुरान को महर मुकरर किया है तो तालीम कुरान ही महर होगा, औरत को कुरान की तालीम देना ही खावंद के जिम्मे होगा, और अगर खावंद ने अपनी खिदमत मुकरर की है, चाहे खावंद आजाद है चाहे गुलाम है, दोनों सूरतों में खावंद ही को बीवी की खिदमत करना पड़ेगी। याद रखो हमारा जाब्ता तो यह है कि महर का माल होना जरूरी है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक महर का माल होना जरूरी नहीं, गैर माल भी महर बन सकता है, जैसे तालीमुल कुरान, तालीमुल कुरान माल नहीं लेकिन उनके नजदीक महर बन सकता है, और इसी तरह आजाद आदमी की खिदमत वो माल नहीं लेकिन उनके नजदीक महर का माल होना जरूरी नहीं है, लिहाजा ये भी महर बन सकता है। उनका जाबता ये है, उनका जाबता ये है कि जिस चीज का इवज लेना जायज हो वो खुद भी दूसरी चीजों का इवज बन सकती है जी। जिस चीज का इवज लेना जायज है वो खुद भी दूसरी चीजों का इवज बन सकती है, जैसे तालीम कुरान का इवज लेना उनके नजदीक जायज है, तो जब तालीम कुरान का इवज लेना जायज है तो तालीम कुरान भी किसी चीज की इवज बन सकती है जी। इसी तरह एक शख्स किसी की खिदमत करता है, मजदूरी करता है तो उसको उजरत मिला करती है, तो जैसे आजाद आदमी की खिदमत उसका इवज लेना जायज है तो आजाद आदमी की खिदमत खुद भी इवज बन सकती है। तो लिहाजा जब तालीमुल कुरान का इवज लेना जायज तो तालीमुल कुरान खुद भी इवज बन सकती है बतौर महर के, भाई तालीमुल कुरान खुद भी इवज बन सकती है महर के लिए, और आजाद आदमी की खिदमत का इवज लेना जायज है तो आजाद आदमी की खिदमत खुद भी इवज बन सकती है बतौर महर के, भाई
तो कहते हैं वकाल शाफी रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं लहा तालीमुल कुरआनी वल खिदमत फिल वजहैन, कि उस औरत के लिए तालीमुल कुरआन ही होगा, यानी यही उसका हक होगा, वल खिदमत और औरत के लिए खिदमत होगी, फिल वजहैन दोनों सूरतों में, यानी खावन चाहे आजाद हो चाहे गुलाम, दोनों सूरतों में वो खिदमत ही उसका हक होगा कि खावंद उसकी खिदमत करे। लिअन्ना मा यस्लुहु अख्ज़ुल इवज़ अन्हु बिशर्ति यस्लुहु महरन इंदहु, वही ज़ाब्ता बयान कर रहे हैं। उनका ज़ाब्ता क्या है कि जिस चीज का इवज लेना जायज वो खुद भी इवज बन सकती है। लिअन्ना मा यस्लुहु अख्ज़ुल इवज़ अन्हु बिशर्ती, इसलिए क्योंकि जो चीज सलाहियत रखती है कि उसका इवज लिया जाए बिशर्ती, शर्त की वजह से, जो चीज सलाहियत रखती है कि उसका इवज लिया जाए शर्त के जरिए, तो यस्लुहु महरन इंदहु, वो महर बनने की भी सलाहियत रखती है। यहां भी शर्त का लफ्ज आया, आप उससे परेशान हो रहे होंगे, भाई देखो इजारे में इसी तरह होता है ना, आप मजदूर लाए, आप उसको उजरत देंगे, वैसे ही उजरत देंगे या इस शर्त पर कि वो आपका काम करेगा, काम कर दे, तो देखो वहां शर्त लगाई जाती है कि ये आप काम करेंगे तो मैं आपको उजरत दूंगा। इसी तरह तालीम कुरान कोई देता है तो गोया इस शर्त पर उसको उजरत दी जाती है कि आप तालीम कुरान देंगे तो फिर आपको उजरत दी जाएगी, तो वहां शर्त होती है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं ली अन्ना मा यस्लुहु अख्ज़ुल इवज़ अन्हु बिशर्ती, इसलिए क्योंकि जो चीज सलाहियत रखती है अख्ज़ुल इवज़ अन्हु कि उसका इवज लिया जाए बिशर्ती, शर्त के जरिए, यस्लुहु महरन इंदहु, तो वो महर बनने की भी सलाहियत रखती है उनके नजदीक, ली अन्नहु बिदालिका ततहक्कुल मुआवज़तु, इसलिए क्योंकि इसी के जरिए तो मुआवजा पाया जाएगा। भाई देखो ना, जब एक मजदूर खिदमत करता है, काम करता है, आप उसको उजरत देते हैं, तो मालूम हुआ इस मजदूर, ये जो आजाद आदमी है, इसके मनाफिया का आप इवज दे रहे हैं। फर्ज करो मसलन आप उसको चंद घंटों के 1000 रुपए देते हैं, तो उसके मनाफिया का इवज आपने दिया 1000, तो ये 1000 उसके मनाफिया का इवज हो गया, 1000 रुपए उसके मुनाफा का इवज हो गया। अब जरा दूसरी तरफ से देखें, आप 1000 रुपया दे रहे हैं, इस 1000 रुपए का इवज क्या है? उस मजदूर की खिदमत है, उसका काम है भाई। तो अगर 1000 उसकी खिदमत का इवज है तो उसकी खिदमत इस 1000 का इवज है, दोनों इवज हैं एक दूसरे के भाई, दोनों क्या हैं एक दूसरे के इवज हैं। तो लिहाजा इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जिस चीज का इवज लेना जायज है वो खुद भी दूसरी चीजों का इवज बन सकती है, क्योंकि इसी से तो मुआवजा पाया जाता है। मुआवजा बाबे मुफाला है, बाबे मुफाला जानिबैन से चीज को चाहता है, मालूम है दोनों तरफ से इवज आना चाहिए। तो अगर मजदूर की खिदमत का इवज आप 1000 दे रहे हैं तो आपकी 1000 रुपए का इवज क्या है? मजदूर की खिदमत है, दोनों एक दूसरे का इवज हैं भाई। तो यहां महर के अंदर भी इसी तरह है, औरत मुनाफे बुजा हवाले करती है तो वो खावंद अपनी खिदमत जो है बतौर इवज के दे रहा है, तो देखो दोनों तरफ से मुआवजा पाया जा रहा है। बात समझ में आ गई? कहते हैं लिअन्नहु बिदालिका ततहक्कुल मुआवजतु, इसलिए क्योंकि इसी के जरिए तो मुआवजा पाया जाता है, जब इसका इवज लिया जाता है, मालूम है ये खुद भी इवज बन सकती है भाई। अच्छा, तो यहां मुआवजा होना ही मकसूद था, यहां मकसूद क्या था? मुआवजा ही चाहिए। आप औरत के मुनाफे बुजा के मालिक बन रहे हैं तो आपकी तरफ से भी कोई इवज होना चाहिए, फिर ही मुआवजा पाया जाएगा। दोनों तरफ से इवज आ रहा है तो निकाह में वो फरमाते हैं दोनों तरफ से इवज आना चाहिए, उसका माल होना जरूरी नहीं है भाई। तो ये कहते हैं लिअन्नहु बिदालिका ततहक्कुल मुआवजा, तो कहते हैं इसलिए क्योंकि इसी के लिए मुआवजा पाया जाएगा। वसार कमा इदा तज़व्वजहा अला खिदमत हुर्रिन आखर बिरिज़ाहु वअला रअय ज़ौजि गनमहा। भाई देखिए, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ए अहनाफ, आपके नजदीक खावन तो बीवी की खिदमत नहीं कर सकता क्योंकि कल्ब मौज़ू लाजिम आता है, लेकिन लेकिन अगर एक शख्स किसी औरत से निकाह करता है, औरत कहती है मुझे महर क्या दोगे, वो आदमी कहता है मेरे पास माल तो नहीं है लेकिन मेरा ये एक साथी है, ये आपकी 1 साल खिदमत करेगा,
ये आपके घर के सारे काम कर दिया करेगा एक साल तक। तो अब देखो यहां पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ए अहनाफ, आपके नजदीक भी यह सूरत जायज है, आपके नजदीक भी औरत अपने खावंद की खिदमत की हकदार तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर खावंद किसी और की खिदमत की शर्त लगाए तो औरत उसकी हकदार हो सकती है और आपके नजदीक की सूरत में अकद ठीक हो जाएगा। मालूम हुआ आजाद आदमी की खिदमत इवज बन सकता है, इवज बन सकता है। जब आजाद आदमी की खिदमत इवज बन सकती है तो खावंद की खिदमत भी हमारे नजदीक इवज बन सकती है। दलील उनकी समझ में आ रही है, तो हमारे नजदीक किसी और शख्स की खिदमत इवज बन सकती है, लेकिन खुद खावंद अगर खिदमत करेगा तो कल्बे मौजू लाजिम आएगा, लिहाजा वो जायज नहीं। भाई नीज इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ए अहनाफ, आपके यहां अगर खावंद ने यह महर मंजूर कर लिया कि मैं एक साल तक तुम्हारी भेड़ बकरियां चराया करूंगा, बीवी को क्या कहा, मैं एक साल तक तुम्हारी भेड़ बकरियां चराया करूंगा, तो इस सूरत में तो ए अहनाफ आप भी इसको तस्लीम करते हैं कि खावंद बीवी की खिदमत नहीं कर रहा, उसके लिए भेड़ बकरियां चरा रहा है, तो आपके नजदीक भी यह सूरत जायज है। मालूम हुआ आजाद आदमी की खिदमत महर हो सकता है, जब आजाद आदमी की खिदमत महर हो सकता है तो खावंद की खिदमत भी आजाद आदमी की खिदमत है, वो भी बीवी का महर हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वसारा कमा इजा तज़व्वजहा अला खिदमति हुर्रिन आखरा बिरिज़ाहु, और ये इसी तरह हो गया जैसे उस शख्स ने उस औरत से निकाह किया है अला खिदमति हुर्रिन आखरा, इस शर्त पर कि एक दूसरा आजाद आदमी उसकी खिदमत करेगा बिरिज़ाहु अपनी मर्जी से रजामंदी से, वो साथी भी तो राजी होगा तो तभी खिदमत करेगा ना, तो उसकी रजामंदी के साथ। वाला राय जौजी खाना महा, यह इस शर्त पर खामन ने निकाह किया औरत से, रायुन का माना है चराना, जानवरों को चराना। वाला राय जौजी, इस शर्त पर के खामन चराएगा गाना महा उस औरत की भेड़ बकरियां, गनम का माना है भेड़ बकरियां, ये दोनों जिन्सों को शामिल है, बकरे की जिन्स को भी और भेड़ की जिन्स को भी। इसी तरह याद रखो शाद का लफ्ज़, भाई शाद का लफ्ज़ भी गनम के मुतरादिफ है, उसका माना भी भेड़ बकरियां। भाई तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह खावंद की खिदमत को कियास करते हैं किसी दूसरे आजाद आदमी की खिदमत पर, इसी तरह वो खावंद की खिदमत को कियास करते हैं खावंद के बकरियां चराने पर, और दूसरे आजाद आदमी की खिदमत तो इवज बन सकती है, या खावंद की बकरियां चराना भी इवज बन सकता है, तो खावंद की अपनी खिदमत भी इवज बन सकती है। दलील उनकी समझ में आ गई। आगे देखिए वलाना, और हमारी दलील यह है अन्नल मशरूआ इन्नमा हुआ लिबतिगा उबिल माली, के मशरूआ जो है यानी शरीयत ने जो निकाह का तरीका बतलाया है इन्नमा हुआ लिबतिगा उबिल माली, वो माल के जरिए तलाश करना है। वह उहिल्लकुम मावरा अजालिकुम, और इन मुहर्रमात के अलावा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। अन तब तगूबी अमवालिकुम, कि तुम उनको अपने मालों के जरिए तलाश करो। तो हमारे नजदीक महर का माल होना जरूरी है। तो यह पहली दलील है हमारी वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्नल मशरूआ इन्नमा हुआ लिब्तिगा उबिल माली, कि निकाह का जो मशरूआ तरीका है यानी जो शरीयत ने हमें सिखलाया है वो माल के जरिए तलाश करना है। वह तालीम लैसा बिमालिन, और तालीम तो माल नहीं है, लिहाजा ये महर नहीं बन सकती। व कदालिकल मनाफ़, और इसी तरह मनाफ़ भी हैं वो भी माल नहीं है। अला असलीना, हमारे जाब्ते पर, हमारे जाब्ते के मुताबिक मनाफ़ भी माल नहीं है। याद रखो, याद रखो ये जो दलील जिक्र की वाला ना, हमारी दलील ये है, यहां इश्काल होता है कि भाई इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने तो इख्तिलाफ किया था भाई शेखैन रहमहुमल्लाह से, तालीमुल कुरान के मसले में तो इत्तेफाक किया था कि तालीमुल कुरान अगर मुकर्रर किया है तो महर मिसल आएगा हमारे तीनों अइम्मा के नजदीक, लेकिन अगर खावंद ने अपनी खिदमत की शर्त लगाई है और खावंद आजाद आदमी है तो शेखैन रहमहुमल्लाह फरमाते महर मिसल आएगा, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं उस खावंद की एक साल की खिदमत की जो कीमत बनती है वो कीमत देना पड़ेगी।
तो यहां तो आया वलाना और हमारी दलील यह है, यूं महसूस होता है जैसे यह हमारे तीनों अइम्मा की दलील है, तीनों अइम्मा की। तो साहिब हिदायत को तो यूं कहना चाहिए था वल्लहुमा शेखैन के नजदीक। तो जवाब यह कि भाई इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने अगर खिदमत के मसले में इख्तिलाफ किया है तो तालीमुल कुरान के मसले में तो इत्तेफाक किया है। तो ये जो दलील जिक्र कर रहे हैं उस एतबार से है, इसमें देखो तालीमुल कुरान का भी जिक्र आ रहा है और साथ साथ अगरचे खिदमत वाला मसला भी जिक्र है लेकिन तालीमुल कुरान के हवाले से यहां चूंकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह साथ हैं इसलिए लाना के साथ जिक्र किया। और खिदमत के मसले में वो इख्तिलाफ करते हैं तो आगे चलकर वो फिर उनकी दलील भी अलग जिक्र करेंगे। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलाना अन्नल मशरूआ इन्नमा हुआ लिब्तिगा उबिल माली, और हमारी दलील यह है कि निकाह का जो मशरू तरीका है वो माल के जरिए तलाश करना है। व तालीम उल्लै सभी मालिन, और तालीम तो माल नहीं है। व कदालिकल मनाफ अला असलीना, और इसी तरह मनाफ जो है वो भी माल नहीं है। अला असलीना हमारे जाबते पर। व खिदमतुल अब्द इब्तिगा उबिल माली, और हां गुलाम की जो खिदमत है आपने पढ़ा था गुलाम ने अगर अपनी खिदमत मुकर्रर की है तो गुलाम को खिदमत ही करना पड़ेगी। तो इस पर भी इश्काल होता है कि गुलाम की खिदमत ये तो मनाफिया है और मनाफिया तो माल नहीं, जब वो माल नहीं तो वो महर नहीं बन सकते। तो उसका जवाब देंगे साहिब हिदाया कि भाई यहां मनाफिया अगरचे माल नहीं है लेकिन फिर भी गुलाम जब उसकी खिदमत करेगा एक साल तो गोया एक साल के लिए गुलाम उसके हवाले कर दिया गया। और गुलाम खुद क्या है, खुद तो माल है, तो गोया खुद उसको एक साल के लिए यह माल मिल गया जी। उस औरत को एक साल के लिए यह गुलाम की जात उसके सुपुर्द हो गई, और गुलाम की जात तो माल है, उसके मुनाफे माल बेशक ना हो लेकिन उसकी जात तो माल है। तो जब गुलाम औरत की खिदमत करेगा तो गोया गुलाम की जात उसके हवाले कर दी एक साल के लिए, तो बाई लिहाज उसको माल हासिल हुआ भाई। तो कहते हैं वखिदमतुल अब्द इब्तिगा बिल माली, और गुलाम की खिदमत जो है वो माल के जरिए तलाश करना है। लितज़म्मुनी ही तस्लीमा रकबती ही, इसलिए क्योंकि ये मुतज़म्मिन है उसकी जात सुपुर्द करने के, कि गुलाम की जात ही औरत के हवाले करना पड़ेगी और गुलाम तो माल है भाई। वला कदालिकल हुर्र, और आजाद आदमी ऐसा नहीं है, आजाद आदमी की खिदमत भी माल नहीं और आजाद आदमी का रकाबा और उसकी जात भी माल नहीं है, लिहाजा वहां ऐसा नहीं कह सकते हम कि वो इब्तिगा बिल माल है। वली अन्न खिदम, यह दूसरी दलील आ गई। पहली दलील क्या थी कि हमारे नजदीक निकाह का मशरू तरीका क्या है, इब्तिगा बिल माल। अब दूसरी दलील आ गई, कहते हैं वली अन्न खिदमत ज़ौजिल हुर्री, इसलिए क्योंकि आजाद खावंद की जो खिदमत है ला यजूज उस्तहकाकुहा बिअक्द निकाही, जायज नहीं है कि औरत उसकी मुस्तहिक हो जाए अक्द निकाह की वजह से। औरत अक्द निकाह की वजह से खावंद की खिदमत की मुस्तहिक नहीं हो सकती, क्योंकि निकाह तो इसलिए वजा किया गया है कि औरत खादिमा होगी, और अगर आप खावंद को खादिम बनाएंगे तो यह तो कल्बे मौजूअ लाजिम आएगा, वो चीज जिसको वजा किया गया था उसको उलट दिया गया। तो कहते हैं वली अन्न खिदमत ज़ौजिल हुर्री, और इसलिए क्योंकि आजाद खावंद की खिदमत जो है ला यजूज उस्तहकाकुहा बिअक्द निकाही, जायज नहीं है कि औरत उसकी मुस्तहिक हो जाए अक्द निकाह की वजह से। लिमा फीही मिन कल्बिल मौज़ू, इस वजह से कि इसके अंदर कल्बुल मौज़ू है, मौज़ू वो चीज जिसको मुकर्रर किया गया है। तो निकाह मौज़ू है किस लिए, कि औरत खादिमा होगी खावंद मखदूम होगा, लेकिन जब खावंद खादिम बन गया तो मौजू को उलट दिया गया। कल्ब का माना उलट देना। कहते हैं लिमा फीही मिन कल्बिल मौजू, इसलिए क्योंकि इसके अंदर मौजू को पलट देना है, मौजू को उल्टा देना है। बखिलाफ खिदमत हुर्रिन आखरा बि रिज़ाहू, बखिलाफ किसी दूसरे आजाद आदमी की खिदमत बि रिज़ाहू, उस आजाद उस दूसरे की रजामंदी से। ये इस सूरत में कल्ब मौजू लाजिम नहीं आता क्योंकि खावंद नहीं खिदमत कर रहा, दूसरा आदमी औरत की खिदमत कर रहा है। तो कहते हैं बिखिलाफ खिदमत हुर्रिन आखरा बि रिज़ाहू, बिखिलाफ इसके कि दूसरा आजाद आदमी खिदमत करे बि रिज़ाहू अपनी मर्जी से। ले अन्नहु ला मुनाक़ज़ा था, इसलिए क्योंकि इस सूरत में तो कोई मुखालफत नहीं, कोई कल्ब मौज़ू नहीं है। वह बिखिलाफ खिदमत अल अब्दी, और बिखिलाफ गुलाम की खिदमत के।
भाई गुलाम की खिदमत में भी तो कल्बे मौजूआ है, तो मैंने जवाब दिया कि गुलाम ये जो औरत की खिदमत करेगा किसकी इजाजत से करेगा, आका की इजाजत से, और आका की इजाजत से जब गुलाम किसी की खिदमत कर रहा है तो गोया आका ही की खिदमत कर रहा है। तो कहते हैं वह बिखिलाफ खिदमत अलआब्दी, और बखिलाफ गुलाम की खिदमत के लिए, अन्नहु यखदिमु मौलाहुम मानन, इसलिए क्योंकि वह आका की खिदमत कर रहा है मानन माना के एतबार से, हैसु यखदिमुहा बिइज्निही व अम्रिही, क्योंकि वह खिदमत कर रहा है औरत की बिइज्निही अपने आका की इजाजत से, व अम्रिही और उसके हुक्म से, तो माना के एतबार से यह आका ही की खिदमत कर रहा है। वह बिखिलाफ रायिल अगनाम, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कियास में जिक्र किया था कि अहनाफ अगर खावन इस शर्त पर निकाह करता है कि मैं तुम्हारी भेड़ बकरियां चराऊंगा, तो इस सूरत में आप इसको जायज करार देते हैं, इसको जायज, तो उसका भी जवाब दे रहे हैं, उसका जवाब देंगे कि भाई ये जो भेड़ बकरियां चराना है ये औरत की खिदमत नहीं है, ये तो घर के कामों में से एक काम है, और घर के काम मियां बीवी मिलकर ही करते हैं, बीवी घर के अंदर के काम करती है तो खावंद बाहर के काम करता है, तो लिहाजा ये घर के कामों में से है, इस सूरत में औरत की खिदमत लाजिम नहीं आती, जब औरत की खिदमत लाजिम नहीं आती तो इसको महर मुकर्रर करना सही है भाई। तो कहते हैं वह बिखिलाफ रायिल अगनामी, बखिलाफ भेड़ बकरियों के चराने के, ले अन्नहु मिन बाबिल कियामी बी उमूर ज़ौजियति, इसलिए क्योंकि यह ज़ौजियत के उमूर के कायम करने के बाब से है, ज़ौजियत यानी शादी, शादी के उमूर को कायम करने के बाब से है, यह शादी के काम ही सर अंजाम दिए जा रहे हैं, यानी यूं कहो घरेलू काम किए जा रहे हैं, या यूं कहो ये उमूर खानादारी में से है भाई, लिहाजा इससे कोई खराबी लाजिम नहीं आती। तो कहते हैं ले अन्नहुम मिन बाबिल कियामी भी उमूर ज़ौजियती, इसलिए क्योंकि ये ज़ौजियत के उमूर के कायम करने के बाब से है, फला मुनाकजाता, लिहाजा इस सूरत में भी कोई मुखालफत और कोई मुनाफात नहीं है। अला अन्नहु ममनूउन फी रिवायतिन, अलावा इसके कि ये भी ममनू है एक रिवायत पर, ये दूसरा जवाब दे रहे हैं। एक जवाब तो ये, हमें आपकी बात तस्लीम है, इंदल अहनाफ खावन बकरियां चराने की शर्त पर निकाह कर सकता है, जबकि कहते हैं दूसरी रिवायत के मुताबिक ये भी ममनू है, यानी इंदल अहनाफ ये जायज ही नहीं है, खावन बकरियां चराने की शर्त पर भी निकाह करे तो ये बकरियां चराना नहीं होगा, वहां महरे मिसल ही आ जाएगा, क्योंकि कल्बे मौजू लाजिम आता है। यहां पर भी बात समझ में आ गई, और इसी दूसरी रिवायत को उलमा ने ज्यादा सही करार दिया है। तो कहते हैं अला अन्नहु ममनूउन फी रिवायतिन, अलावा इसके कि ये जो बकरियां चराना जो है ये भी ममनू है फी रिवायतिन एक रिवायत के मुताबिक, यानी बतौर महर के, वैसे तो चराए लेकिन बतौर महर के, बतौर महर इसको तय करना यह ममनू है, यानी हमें तस्लीम नहीं है भाई। यहां तक बात समझ में आ गई, अब आगे बतलाएंगे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जो इख्तिलाफ किया था कि खावन की एक साल की खिदमत की अगर शर्त लगाई तो शेखैन के नजदीक महरे मिसल आता है, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक एक साल की खिदमत की कीमत देना पड़ती है। अब उसकी दलील जिकर फरमा रहे हैं, कहते हैं सुम्मा अला कौल मुहम्मदिन रहमतुल्लाह तजिबु कीमतुल खिदमती, फिर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल पर खिदमत की कीमत वाजिब होगी, लिअन्नल मुसम्मा मालुन, इसलिए क्योंकि मुसम्मा माल है। शेखैन के नजदीक तो आजाद आदमी की खिदमत माल नहीं, लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं आजाद आदमी की खिदमत माल है, इसीलिए तो इसका इवज लिया जाता है, जबकि शेखैन फरमाते हैं वहां शरीयत ने जरूरत की वजह से इजाजत दिया, वरना खिदमत माल नहीं, क्योंकि मुनाफे है और मुनाफे में बकाई नहीं होती तो वो माल कैसे हो गए भाई। तो कहते हैं सुम्मा अला कौल मुहम्मदिन रहमतुल्लाह तजिबु कीमतुल खिदमत, खिदमत की कीमत वाजिब होगी, लि अन्नल मुसम्मा मालुन, इसलिए क्योंकि मुसम्मा माल है, इल्ला अन्नहु अजज़ा अनि तस्लीमी, मगर ये कि खावन उसके सुपुर्द करने से आजिज आ गया। अच्छा सवाल पैदा होता है, ए मां मोहम्मद रहमतुल्लाह आपके नजदीक खावंद की खिदमत भी माल है, तो फिर तो यही खिदमत होनी चाहिए। आप कहते हैं नहीं, खिदमत नहीं कर सकता बल्कि उसकी कीमत देना पड़ेगी, तो उसका भी जवाब दे रहे हैं कि भाई अगर खावंद की को खिदमत का हुक्म दिया जाए तो कल्बे मौजू लाजिम आएगा, लिहाजा खावंद तो खिदमत कर नहीं सकता। खावंद ने महर अपनी खिदमत मुकरर की और खावंद की खिदमत भी माल है उनके नजदीक,
तवज्जो है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक खावन ने अपनी खिदमत मुकरर की और खावन की खिदमत भी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक माल है, लेकिन खावन इस खिदमत को सुपुर्द नहीं कर सकता क्योंकि कल्ब मौजू लाजिम आएगा। और जब खावन एक चीज को मुकरर करे और उसके अदा करने से आजीज आ जाए तो फिर उसकी कीमत आया करती है। जब खावंद एक चीज को महर मुकरर करे और उसके अदा करने से आजीज आ जाए तो फिर वहां उसकी कीमत देना पड़ती है। जैसे बिल इत्तेफाक अगर एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और कहा, एक गुलाम खड़ा था, खावंद ने कहा मैं तुम्हें महर के अंदर ये वाला गुलाम दूंगा, मैं महर में तुम्हें ये वाला गुलाम दूंगा, और निकाह कर लिया। अब बाद में पता चला यह गुलाम तो किसी दूसरे का गुलाम है। अब खावंद यह गुलाम देने पर कादिर ही नहीं है, मालिक बेचता ही नहीं है। अगरचे ये गुलाम माल है लेकिन खावंद इसके अदायगी पर कादिर नहीं। और जब खावंद एक माल की अदायगी पर कादिर ना हो तो उसकी कीमत आया करती है, लिहाजा खावंद के जिम्मे भी इस गुलाम की कीमत आएगी, वो उसको अदा करना पड़ेगी। तो यहां पर भी खावंद की खिदमत तो माल है लेकिन वो उसके अदा करने से आजिज आया क्योंकि कल्ब मौजू लाजिम आएगा तो फिर उसकी कीमत देना पड़ेगी। तो कहते हैं लि अन्नल मुसम्मा मालुन, इसलिए क्योंकि उनके नजदीक मुकररा चीज जो है वो माल है। इल्ला अन्नहु अजाजा अनि तस्लीमी, मगर यह कि खावन जो है आजीज आ गया उसकी अदायगी से। लि मकानिल मुनाकजती ऐ लि वुजूदिल मुनाकजती, याद रखना साहिब हिदाया अक्सर ये मकान जो है ये मकान का लफ्ज लाते हैं और दरअसल ये मस्तर मीमी है कान यकूनु कौनन से, तो इसका तर्जमा वजूद के साथ कर लें। लि मकान इल मुनाकजती ऐ लि वजूद इल मुनाकजती, तो खावन सुपुर्द करने से आजिज है। लि मकान इल मुनाकजती, मुनाकजा पाए जाने की वजह से कि सूरत में मुखालफत लाजिम आ रही है, कल्ब मौजू लाजिम आ रहा है। फसारक तजव्वुजी अला अब्दिल गैर, तो ये इसी तरह हो गया कि जैसे निकाह किया हो किसी दूसरे के गुलाम पर और उस सूरत में उसकी कीमत आती है, तो यहां भी इसकी कीमत आएगी। वअला कौली अबी हनीफा व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाहु तआला यजिबु महरुल मिसली, जबकि शेखैन रहिमहुमल्लाह के कौल पर महर मिसल वाजिब होगा इस सूरत में। लिअन्नल खिदमत लैसत बिमालिन, इसलिए क्योंकि आजाद आदमी की जो खिदमत है वो माल नहीं है। इज़ला युस्तहक्कु फीही बिहालिन, इसलिए क्योंकि औरत इस खिदमत की मुस्तहिक नहीं हो सकती। फीही इस निकाह में, बिहालिन किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में औरत निकाह के अंदर खावंद की खिदमत की मुस्तहिक नहीं हो सकती क्योंकि कल्ब मौजू लाजिम आएगा। क्या लाजिम आएगा? कल्ब मौजू लाजिम आएगा। बात समझ में आ गई? कहते हैं लि अन्नल खिदमत लैसत बिमालिन, क्योंकि खिदमत माल नहीं है। इज ला युस्तहक फीही बिहालिन, इसलिए क्योंकि औरत मुस्तहिक नहीं होती निकाह में खावंद की खिदमत की, बिहालिन किसी भी हाल में। फसारा का तस्मियत इल खमर वल खिंजीर, तो ये इसी तरह हो गया जैसे शराब या खिंजीर को मुकरर किया हो महर में, और जब शराब और खिंजीर को महर में मुकरर किया हो तो वहां महरे मिसल आता है, तो यहां पर भी महरे मिसल आएगा भाई। तो कहते हैं फसारा का तस्मियत इल खमर वल खिंजीरी, तो ये इसी तरह हो गया जैसे शराब या खिंजीर को मुकरर किया हो। वहाजा, और ये इस वजह से, ये जब महरे मिसल वाजिब होगा वो इस वजह से होगा। लि अन्न तकव्वु महा बिल अक्द लि जरूरती, इसलिए क्योंकि भाई इन्होंने बताया था आपको कि आजाद आदमी की खिदमत माल नहीं, ये जो मुनाफे हैं ये माल नहीं, लेकिन शरीयत इनको माल करार देती है जरूरत और हाजत की वजह से। किसकी वजह से? जरूरत और हाजत की वजह से। तो जरूरत और हाजत की वजह से इनका इवज लेना जायज हो जाता है, वरना तो ये माल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो देखो फरमाते हैं, कहते हैं वहादा लि अन्न तकव्वुमा हा बिल अक्द लि जरूरती, इसलिए क्योंकि इस खिदमत का कीमत वाला होना बिल अक्द, अक्द इजारा की वजह से जो होता है, लि जरूरती, ये लोगों की जरूरत और हाजत की वजह से होता है। फैदा लम यजिब तस्लीमहु फिल अक्दी, जब खावन के जिम्मे वाजिब ही नहीं है इसको सुपुर्द करना फिल अक्दी, अकदे निकाह में। बीवी जो है खावंद की खिदमत की मुस्तहिक हो ही नहीं सकती अकदे निकाह में, और खावंद ने जिक्र तो वही किया है। तो जब औरत इस खावंद की खिदमत की मुस्तहिक ही नहीं हो सकती तो इसका कीमत वाला होना भी जाहिर नहीं होगा।
भाई देखो ना, मुनाफिया माल नहीं, लेकिन शरीयत ने इजाजत दी है कि आकदे इजारा के अंदर इनकी कीमत लगाई जा सकती है। आकदे इजारा में खिदमत की कीमत लगाई जा सकती है, उस इन मुनाफिया की ये खिदमत है और ये जो मुनाफे हैं इनकी उजरत वसूल की जा सकती है बतौर अकदे इजारा के। लेकिन यहां पर तो खावंद अपनी बीवी के हवाले अपनी खिदमत कर ही नहीं सकता निकाह के अंदर भाई, लिहाजा इसका कीमत वाला होना भी यहां जाहिर नहीं, यानी ये यहां पर माल शुमार नहीं होगा। जब ये यहां पर माल शुमार नहीं तो फिर जाब्ते के मुताबिक महरे मिसल ही आएगा। तो कहते हैं फिर देखिए, कहते हैं वहादा, और ये जो महरे मिसल वाजिब हुआ है वो इस वजह से है, लिअन्न तक़व्वुमा हाबिल अक़्द लिज़रूरती, इसलिए क्योंकि इस खिदमत का कीमत वाला होना बिल अक़्द अक़्द इजारा की वजह से जो होता है, लिज़रूरती, ये लोगों की जरूरत और हाजत की वजह से है। फ़इज़ा लम यजिब तस्लीमुहु फिल अक़्द, जब अक़्द निकाह के अंदर वाजिब नहीं है खावंद पर सुपुर्द करना, फैदा लम यजिब, जब वाजिब नहीं है तस्लीम हो इस खिदमत को सुपुर्द करना, इस खावंद की खिदमत को सुपुर्द करना, फिल आकदी इस आकद के अंदर यानी आकद निकाह में, तो ला यजहरु तकव्वुमुहु, इसका कीमत वाला होना भी जाहिर नहीं होगा, यानी यहां ये माल शुमार नहीं होगा। फयबकल हुक्म अलल असली, तो हुक्म अपनी असल पर ही बाकी रहेगा। वह हुआ महरुल मिसली, और वह महरे मिसल है भाई। तो हासिल कलाम ये कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक आजाद की खिदमत भी माल है, लेकिन खावन ये खिदमत औरत के हवाले नहीं कर सकता क्योंकि कल्ब मौजू लाजिम आएगा। और जब माल निकाह में जिक्र किया जाए लेकिन खावन उसके अदा करने से आजिज आ जाए तो फिर उसकी कीमत देना पड़ती है, तो यहां भी खिदमत की कीमत देना पड़ेगी। जबकि शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि खिदमत माल ही नहीं है, औरत किसी हाल में अपने खावन की खिदमत की मुस्तहिक नहीं बन सकती। तो अक़्द इजारा के अंदर जो खिदमत की कीमत लगाई जाती है वह शरीयत ने जरूरत की वजह से इजाजत दी है, लेकिन यहां पर औरत किसी भी हाल में खावंद की खिदमत की मुस्तहिक नहीं हो सकती। जब मुस्तहिक नहीं हो सकती तो यहां इसका कीमत वाला होना और माल होना भी जाहिर नहीं। जब माल होना इसका जाहिर नहीं तो यह माल नहीं है, और निकाह हुआ है तो महरे मिसल ही आएगा। बात समझ में आ गई। याद रखो यहां जो इबारत आई, लिअन्नल खिदमत लैसत बिमालिन इज ला युस्तहक्कु फीही बिहालिन, बाद शारहीन फरमाते हैं हमने यहां इज की जगह औ सुना है भाई, यहां क्या है औ, अगर औ यहां पढ़ा जाए फिर तो इबारत और भी बेहतरीन हो जाती है। देखो लिअन्नल खिदमत लैसत बिमालिन, इसलिए क्योंकि खिदमत माल नहीं है। शेखैन फरमाते हैं अगर इधर देखिए, शेखैन फरमाते हैं अगर खावन ने अपनी खिदमत को जिक्र किया है तो खिदमत नहीं आएगी क्योंकि खिदमत माल नहीं, और नीज इसलिए क्योंकि औरत कभी भी खावन की खिदमत की मुस्तहिक नहीं होती तो महरे मिसल ही आएगा। तो कहते हैं लिअन्नल खिदमत लैसत बिमालिन, क्योंकि खिदमत माल नहीं है, औ इसकी जगह औ पढ़ें, औ ला युस्तहक्कु फीही बिहालिन, यह इस वजह से कि औरत खावन की खिदमत की मुस्तहिक नहीं होती फीही निकाह के अंदर बिहालिन किसी भी हाल में। भाई पीछे दो दलीलें जिक्र की थी मैंने आपको बतलाया था, एक दलील क्या कि निकाह का मशरू तरीका क्या है, इब्तिगाबिल माल होना चाहिए, और दूसरी दलील क्या जिक्र की कि औरत जो है आजाद खावंद की खिदमत की मुस्तहिक अक़्दे निकाह की वजह से नहीं हो सकती। तो पीछे दो दलीलें जिक्र की थी तो ये उन्हीं के साथ ये दोनों जुड़ रहे हैं कि महरे मिसल वाजिब होगा, लिअन्नल खिदमत लैसत बिमाल, खिदमत माल नहीं। पहली दलील क्या थी कि निकाह का मशरू तरीका यह है निकाह माल होना चाहिए, तो बतला दिया लिअन्नल खिदमत लैसत बिमाल, इनकी खिदमत माल नहीं। और दूसरी दलील क्या जिक्र की थी कि औरत निकाह के अंदर खावन की खिदमत की मुस्तहिक किसी हाल में नहीं हो सकती, वही आ गया औ ला युस्तहक्कु फीही बिहालिन, या औरत खावन की खिदमत में मुस्तहिक नहीं होती निकाह में किसी हाल पर। फसार का तस्मियतिल खमर वल खिंजीरी, तो यह खमर और खिंजीर के तस्मिया की तरह ही हुआ, यानी महर में ऐसी चीज जिक्र की है जो महर बनने की सलाहियत ही नहीं रखती, और इस सूरत में महरे मिसल आता है लिहाजा यहां भी महरे मिसल आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए,
फइन तज़व्वजहा अला अल्फिन फ़क़बज़तहा ववहबतहा लहू सुम्मा तल्लक़हा क़ब्ला दुखूली बिहा रजअ अलैहा बिख़म्सि मिअतिन لأنه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستوجبه। भाई ये अब मुश्किल मसाइल हैं भाई, इनको अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहले एक दो बातें याद रखें कि बाज़ चीजें तायीन से मुतायन हो जाती हैं और बाज़ चीजें तायीन से भी मुतायन नहीं होती। जैसे दिरहम और दीनार, याद रखो ये दिरहम और दीनार तायीन से भी मुतायन नहीं होते। ये दिरहम और दीनार तायीन से भी मुतायन नहीं होते। मसलन मैंने आपके सामने 10 दिरहम रखे, 10 दिरहम रखे और मैंने कहा कि यह किताब मैंने आपसे इन 10 दिरहमों के बदले खरीद ली। आपने कहा मुझे कबूल है, तो हमारे दरमियान बैह हो गई। अब मैंने आपसे किताब ली और आपको ये वाले दिरहम देने के बजाय जेब में हाथ डाला और 10 दिरहम निकाले और वो आपके हवाले कर दिए। तो याद रखिए ये मेरे लिए जायज है। वजह यह कि दिरहम और दीनार तायीन से भी मुतायन नहीं होते। अब अगरचे मैंने इशारा करके कहा था ये वाले दिरहमों के बदले मैं आपसे ये किताब खरीदता हूं, लेकिन ये दिरहम और दीनार हैं, ये तायीन से भी मुतायन नहीं। मेरे जिम्मे बस 10 दिरहम आ गए, ये वाले 10 दिरहम मेरे जिम्मे नहीं आए, बल्कि मुतलक 10 दिरहम मेरे जिम्मे आ गए, तो मैं दूसरे 10 दिरहम भी आपको अदा कर सकता हूं। तो दिरहम और दीनार तायीन से भी मुतायन नहीं होते। बात समझ में आ गई? या मसलन देखो, यह तो था आकद हमने किया आपस में, कभी कभार फिर आकद फसख करना पड़ता है। तो अब मसलन आपसे मैंने किताब खरीदी, 10 दिरहम आपको मैंने दे दिए और आपसे किताब ले ली। फिर बाद में मैं आपके पास आया कि भाई इस आकद को फसख कर लेते हैं, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है, चुनाचे आप मंजूर कर लेते हैं, मैं किताब आपके हवाले करता हूं और आप मुझे 10 दिरहम देते हैं। अब मुझे बताइए क्या वही 10 दिरहम वापस करना जरूरी है या कोई से 10 दिरहम आप मुझे वापस कर सकते हैं? कोई से 10 दिरहम आप मुझे वापस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे वाले दिरहम तो वो पड़े हैं, मुझे वो वाले ही वापस करना पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, दिरहम और दीनार मुतायन होते ही नहीं। तो आप जो भी दिरहम और दीनार देंगे मेरा हक अदा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो दिरहम और दीनार आकद में भी मुतायन नहीं होते और इसी तरह फसख के अंदर भी मुतायन नहीं होते। इसी तरह मकीलात और मौजूनात हैं भाई। मकीलात वो चीजें जिनको मापा जाता है। कदीम जमाने के अंदर जैसे गंदुम को माप कर बेचा जाता था, आजकल तो ज्यादातर इसको तोल कर बेचते हैं, लेकिन कदीम जमाने में एक बर्तन था उसमें माप कर बेचते थे, उसको कफीज कहते थे। एक कफीज मसलन 1 दिरहम का है, 2 कफीज 2 दिरहम के हैं, 3 कफीज 3 दिरहम के हैं भाई। तो इनको मकीलात कहते हैं, वो चीजें जिनको किसी बर्तन में माप कर बेचा जाए। या जैसे मसलन आप दूध खरीदने जाते हैं तो वो दूध वाला एक बर्तन के अंदर दूध माप कर 1 लीटर दूध आपको देता है। 2 लीटर चाहिए तो 2 बर्तन वो भर कर देगा, 3 लीटर चाहिए तो 3 भर कर देगा। तो ये है मापना, मापना यानी कैल है, कैल। और एक है मौजून भाई, वो चीज जिसको वजन किया जाता है। आप बाजार बहुत सी चीजें खरीदने जाते हैं तो दुकानदार उनका वजन करके आपको देता है। मसलन आप चीनी खरीदने गए, आपको 5 किलो चीनी चाहिए, तो दुकानदार बर्तन में माप कर चीनी नहीं देगा बल्कि वजन करके आपको 5 किलो देगा। जैसे दिरहम और दीनार किसी के जिम्मे रह सकते हैं, इसी तरह मकीलात और मौजूनात भी किसी के जिम्मे रह सकते हैं। मसलन मैं आपसे गाड़ी खरीदता हूं, ये गाड़ी आपसे मैंने 1000 दिरहम के बदले खरीद ली। यह आजकल रुपए पैसे हैं, उनका भी वही हुक्म है, रुपए पैसे भी तायीन से मुतायन नहीं होते भाई, ये भी दिरहम और दीनार की तरह हैं। तो अब मैंने आपसे मसलन एक गाड़ी खरीद ली 1000 दिरहम के बदले या 10 लाख रुपए के बदले, तो आप राजी हो गए, हमने ईजाब और कबूल कर लिया, अब मैं गाड़ी का मालिक बन गया, तो मेरे जिम्मे आपके वो अगर दिरहमों पर हमने बेय की है तो आपके वो 1000 दिरहम मेरे जिम्मे हैं, और अगर हमने वो 10 लाख रुपए पर बेय की है तो अब आपके वो 10 लाख रुपए मेरे जिम्मे हैं। तो मालूम हुआ दिरहम और दीनार किसी के जिम्मे रह सकते हैं और ये तायीन से मुतायन नहीं होते। मैं जहां से भी 1000 दिरहम लाऊं मैं आपको दे सकता हूं।
कोई मुतायन दिरहम नहीं है भाई। इसी तरह ये जो मकीलात और मौजूनात हैं ये भी किसी के जिम्मे में रह सकते हैं। मसलन मैं आपसे गाड़ी खरीदता हूं और मैं कहता हूं मैं आपको 100 मन गंदुम दूंगा इसके बदले, या मैं आपको 100 मन चीनी दूंगा इसके बदले में। अब चीनी भी मौजूनात में से है, तो देखो अब मेरे जिम्मे 100 मन चीनी आ गई तो ये मेरे जिम्मे है और ये मुतायन नहीं है। मैं किसी भी दुकान से आपके लिए 100 मन चीनी लाकर आपके हवाले कर सकता हूं जी। तो दिरहम और दीनार तायीन से मुतायन नहीं होते और ये किसी के जिम्मे रह सकते हैं। इसी तरह मकीलात और मौजूनात भी किसी के जिम्मे रह सकते हैं। ये दिरहम और दीनार भी याद रखो मौजूनात में से हैं जी। इनका वजन होता है, दिरहम चांदी का होता है और 3 माशे 1 रत्ती और खुमुसे रत्ती इसका वजन होता है, जबकि दीनार वो सोने का होता है और 4.5 माशे इसका वजन होता है, दिरहम से ज्यादा होता है इसका वजन। तो ये 4.5 माशे ये एक दीनार है, या इसी को मिसकाल भी कहते हैं, मिसकाल भी इसी दीनार वजन का नाम है। तो दिरहम और दीनार तायीन से भी मुतायन नहीं होते और किसी के जिम्मे भी रह सकते हैं। इसी तरह मकीलात और मौजूनात वो चीजें जिनको माप कर या वजन करके बेचा जाता है ये भी किसी के जिम्मे रह सकती हैं, लेकिन ये तायीन से मुतायन भी हो जाती हैं। मैंने आपसे कहा था मैं आपसे गाड़ी खरीदता हूं और आपको 100 मन चीनी दूंगा, देखो अब यह चीनी मुतायन नहीं है। मैं किसी भी दुकान से चीनी ले आऊं तो मैं आपको अदा कर सकता हूं, लेकिन बाद औकात यह मुतायन हो जाएगी जब आप इशारा वगैरह कर दें। आपके पास 100 मन चीनी की बोरियां पड़ी हुई हैं, अब आप मुझे कहते हैं कि ये वाली चीनी मैंने आपको इतने रुपए में फरोख्त कर दी, अब तो देखो इशारा कर दिया, अब मुतायन हो गई, अब यही वाली चीनी देनी पड़ेगी भाई। बात समझ में आ गई? तो मकीलात और मौजूनात वो भी किसी के जिम्मे में रह सकते हैं और वो भी वैसे तो मुतायन नहीं होते, लेकिन अगर इशारा कर दिया जाए तो वो भी मुतायन हो जाते हैं, जबकि और चीजें जो हैं वो तायीन से मुतायन हो जाती हैं। मसलन एक शख्स जो है निकाह करता है और 50 कपड़े के थान पड़े हुए हैं, वो खावंद कहते हैं ये कपड़े बतौर महर के होंगे, इस पर मैं तुमसे निकाह करता हूं, तो याद रखो ये सामान मुतायन हो गया, अब महर के तौर पर ये ही कपड़े देने पड़ेंगे खावंद को जी। तो मालूम हुआ चीजें दो किस्म की हैं, कुछ चीजें वो हैं जो तायीन से मुतायन हो जाती हैं और कुछ चीजें वो हैं जो तायीन से मुतायन नहीं होती। अब ये मसले समझ लो भाई, ये मुश्किल मसले हैं। सूरत मसला ये, एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया 1000 दिरहम पर कि मैं महर कितना दूंगा 1000 दिरहम। फिर उसके बाद जब निकाह हो गया खावन ने 1000 दिरहम लिए और बीवी को दे दिए कि ये लो 1000 दिरहम। औरत ने ले लिए, फिर औरत ने वो सारे खावन को वापस किए कि मेरी तरफ से ये सारे तुम रखो। तो निकाह कितने पर हुआ 1000 दिरहम। फिर बीवी ने उस पर क्या कर लिया कब्जा, फिर सारा खावन को वापस कर दिया कि मेरी तरफ से ये तुम्हें हिबा है। उसके बाद कोई ऐसी बात हो गई कि खावंद ने सोहबत से पहले ही तलाक दे दी, रुखसती होने से पहले ही खावंद ने तलाक दे दी, तो फिर इस सूरत में याद रखो खावंद निस्व महर में औरत पर रुजू कर सकता है कि मैंने तुम्हें 1000 महर दिया था और तुम्हें तो मैंने सोहबत से पहले तलाक दी है, और सोहबत से पहले तलाक दी जाए तो निस्व महर औरत का हक होता है, पूरा महर औरत का हक नहीं, मैंने तो तुम्हें पूरे 1000 दिए थे तो लिहाजा मेरे 500 दिरहम वापस करो। खावंद ये कह सकता है, आपके जहन में आएगा कि औरत ने लेकर वही दिरहम उसी वक्त तो वापस कर दिए थे, तो जवाब मैंने आपको बतला दिया कि दिरहम और दीनार तायीन से भी मुतायन नहीं होते। खावंद ने जब 1000 दे दिए, औरत ने कब्जा कर लिया, फिर जब औरत वही दिरहम अब खावंद को वापस कर रही है तो हम ये नहीं कहेंगे ये वही दिरहम है, हम कहेंगे ये भी उन्हीं जैसे हैं जी। ये उन जैसे हैं वो वाले नहीं, यानी ये अलग तोहफा शुमार होगा, यूं समझेंगे बीवी खावंद को तोहफा दे रही है, ये वही महर नहीं वापस कर रही बल्कि ये तोहफे के तौर पर 1000 दे रही है। तो खावंद को जो वापस 1000 मिले हैं वो तो बतौर तोहफे के हैं और इसने जो दिए थे वो तो बतौर महर के थे भाई,
और महर तो औरत का पूरा नहीं बनता, आधा बनता है, लिहाजा खावंद रुजू कर सकता है कि मेरा आधा महर मुझे वापस करो जी। बात समझ में आ रही है। कहते हैं फईन तसव्वा जहा अला अल्फिन, अगर खावंद ने निकाह किया किसी औरत से अला अल्फिन 1000 दिरहम की शर्त पर, फका बाजात हा, तो उस औरत ने उन दिरहमों पर कब्जा कर लिया, वहबत हा लहू, और फिर वो दिरहम हिबा कर दिए खावंद को, वापस तोहफे के तौर पर दे दिए, सुम्मतल्लकहा कबल दुखूल बिहा, फिर खावंद ने उस औरत को तलाक दे दी उसके साथ सोहबत करने से पहले, रजा अलैहा बि 500, तो खावंद रुजू कर सकता है उस पर 500 में, तो खावंद रुजू कर सकता है उस पर भी 500, 500 के साथ, यानी 500 दिरहम में उस पर रुजू कर सकता है कि मैंने तुम्हें 1000 दिरहम बतौर महर के दिए थे। औरत कहेगी भाई वो तो मैंने आपको वापस कर दिए थे, तो कहेगा भाई जो आपने मुझे दिए थे वो तो हिबा के थे, वो तो हिबा था, ये तो वो दिरहम नहीं थे जो मैंने दिए थे, ये तो उनके मिसल थे भाई, तो ये हिबा शुमार होगा, और मैंने जो दिया था वो तो महर था, तो महर तो मुझे वापस नहीं मिला, तो लिहाजा मुझे आधा महर वापस दो। बात समझ में आ गई। और एक और बात याद रखना, औरत ये भी नहीं कह सकती मैंने तुम्हें 1000 तोहफा तो दिया था, हिबा के अंदर तो रुजू हो सकता है, लाओ मेरे पैसे वापस करो, नहीं। वजह यह कि फुकहा जाब्ता जिक्र फरमाते हैं कि वैसे आम आदमी किसी दूसरे को हिबा दे वहां रुजू हो सकता है, लेकिन उसमें दोनों की मर्जी होनी चाहिए, और अगर दोनों की मर्जी नहीं है तो फिर काजी के पास जाकर वसूल करना पड़ेगा, काजी दिलवा देगा। लेकिन अगर हिबा मियां बीवी में से कोई एक देता है दूसरे को तो यह हिबा लाजिम हो गया, अब इसमें रुजू भी नहीं हो सकता, तो बीवी ने जो 1000 हिबा के तौर पर दिए हैं उसमें रुजू भी नहीं कर सकती भाई। तो खावंद कह सकता है कि मैंने तो तुम्हें 1000 दिरहम महर के तौर पर दिए थे, और तुमने मुझे जो 1000 दिए वो वाले दिरहम तो नहीं थे, ये तो उन जैसे थे, ये तो आपने मुझे तोहफा दिया था, तो अब आप मुझे अपना निस्फ महर वापस कर दें क्योंकि मैंने आपको सोहबत से पहले तलाक दी थी। तो खावंद कह सकता है। बात समझ में आ गई। तो ये माना है रजा अलैहा बि 500, तो खावंद रुजू कर सकता है उस औरत पर 500 के साथ, लिअन्नहु लम यसिल इलैही बिल हिबति, इसलिए क्योंकि खावंद को नहीं पहुंचा हिबा की वजह से, ऐन मा यस्तौजिबुहु, ऐन वो चीज जिसका वो हकदार था, इस्तौ जब यस्तौजिबु का माना है मुस्तहिक होना, हकदार होना। मुझे बताइए, खावंद ने बीवी को 1000 दिरहम दे दिए, बीवी ने उसी वक्त वो दिरहम लिए और फिर खावंद को वापस किए, अब मुझे बताइए खावंद को वही दिरहम मिले हैं या उस जैसे मिले हैं? उस जैसे मिले हैं, वो दिरहम नहीं मिले, क्योंकि दिरहम और दिनार तो तायिन से मुतायन ही नहीं। बात समझ में आ गई। कब्जा कर लिया फिर भी मुतायन नहीं, वापस किए फिर भी मुतायन नहीं, ये उस जैसे हैं, वो वाले नहीं है भाई। तो खावंद को जो 1000 दिरहम मिले हैं ये ऐन वो चीज नहीं है जिसका खावंद हकदार था, ये तो हिबा के तौर पर मिले हैं। ये माना है लिअन्नहु लम यसिल इलैहि बिल हिबति ऐन मा यस्तौजिबुहु, इसलिए क्योंकि खावंद को नहीं पहुंची हिबा की वजह से, ऐन मा यस्तौजिबुहु, ऐन वो चीज जिसका खावंद हकदार था, लिअन्न दराहिम वद्दनानीरा ला ततअय्यनानि फिल उकूद वल फुसूख, इसलिए क्योंकि दिरहम और दीनार जो है वो मुतायन नहीं होते अकदों में और फसखों में, आकद किया जाए या आकद को फसख किया जाए तो दिरहम और दीनार मुतायन नहीं होते। व कदा इदा कान अल महरुम मकीलन औ मौजूनन आखरा फिस जिम्मती, इसी तरह अगर महर मकीली चीज हुई और मौजूनन आखरा या कोई दूसरा मौजून हुआ, कोई भाई ये आखर की कैद क्यों लगाई? वजह यह कि पीछे दिरहम और दीनार का जिक्र गुजरा है और दिरहम और दीनार भी तो मौजून है, तो दिरहम और दीनार के अलावा कोई और मौजून हो उसका भी यही हुक्म है। तो कहते हैं वकदा इदा कान अल महरुम मकीलन औ मौजूनन आखरा, और इसी तरह महर जो है अगर वो मकीलात में से हुआ या कोई दूसरा मौजून हुआ, और मौजूनन आखरा फिस जिम्मती, जो उसके जिम्मे में हो, इसी तरह अगर कोई मकीलात या दूसरा मौजून उस खावंद के जिम्मे में हो, फिर जिम्मा की कैद लगाई,
वजह यह क्योंकि मकीलात और मौजूनात ये सिर्फ इशारे से मुतायन होते हैं। मकीलात और मौजूनात तायीन से मुतायन हो जाते हैं, तो लिहाजा इसीलिए कहा कि मुतायन ना हो खावंद के जिम्मे में हो। भाई देखो मकील या मौजून सामने पड़ा है, ये तो मैं इशारा करूंगा, ये वाला मकील या मौजून ये तो मुतायन हो गया, लेकिन अगर सामने नहीं पड़ा, खावन ने कहा मैं तुम्हें 100 मन गंदुम दूंगा बतौर महर के, तो अब ये मुतायन है या खावंद के जिम्मे में है? खावंद के जिम्मे में है, वो कहीं से भी लाकर वो गंदुम दे सकता है, कोई मुतायन गंदुम यहां मुराद नहीं है। तो फिर जिम्मा की कैद किस लिए लगाई? ये बतलाने के लिए कि वो मुतायन नहीं होने चाहिए। तो ये फिर जिम्मा का ताल्लुक मकील और मौजून दोनों से है। कहते हैं वकदा इदा कानल महरूम मकीलन और मौजूनन आखरा फिर जिम्मती, और इसी तरह अगर महर जो है कोई मकीली चीज हुई या कोई दूसरा मौजून हुआ खावंद के जिम्मा में, तो उस वक्त भी यही हुक्म है। बात समझ में आ गई? यानी औरत कब्जा करके अगर वापस भी कर देगी, मसलन देखो खावंद ने औरत से निकाह किया, मैं तुम्हें 100 मन गंदुम दूंगा बतौर महर के, तो अब ये देखो गंदुम मुतायन नहीं है, खावंद के जिम्मे में है। ये क्या है? खावंद के जिम्मे में है, और फिर खावंद ने 100 मन गंदुम औरत के हवाले कर दी, बीवी ने उस 100 मन गंदुम पर कब्जा किया, और फिर बीवी ने कहा बस ये सारी गंदुम मेरी तरफ से तुम रखो, वो खावंद को हिबा कर दिया। तो इस सूरत में भी यही मसला है जो दिरहम और दीनार में था। दिरहम और दीनार में जैसे खावंद निसफ के अंदर रुजू कर सकता था, तो यहां पर भी खावंद निसफ गंदुम के अंदर रुजू कर सकता है कि मैंने तो तुम्हें 100 मन गंदुम दी थी, लेकिन मैंने तो तुम्हें सोहबत से पहले तलाक दी है, तुम्हारा हक जो है वो 50 मन गंदुम बनती थी, 50 मन मुझे दे दो। अब औरत कहेगी भाई मैंने तो सारी की सारी गंदुम आपको क्या कर दी थी? हिबा कर दी थी। देखो वो गंदुम मुतायन नहीं थी जो खावंद के जिम्मा में थी, औरत के हवाले कर दे फिर भी ये मुतायन नहीं, तो खावंद कहेगा जो तुमने मुझे 100 मन गंदुम वापस की थी वो मेरी गंदुम के मिसल थी, मेरी गंदुम नहीं थी। बात समझ में आ गई? जैसे दिरहम और दीनार में मसला था, यहां पर भी उसी तरह मसला होगा। तो कहते हैं लियादमी तायुनिहा, इसलिए क्योंकि ये मुतायन नहीं है, ये जो मौजून आखिर ये जो मकील था ये मुतायन नहीं है, ये खावंद के जिम्मे में थे भाई। अच्छा तो मसला क्या हुआ? दिरहम और दीनार तायीन से मुतायन नहीं होते, औरत उस पर कब्जा करके भी वापस कर देगी तो यूं ही समझा जाएगा उसने जो लिए थे वो और थे और जो दिए हैं वो और हैं, दोनों एक दूसरे के मिसल तो हैं लेकिन वही चीज नहीं, क्योंकि ये तायीन से मुतायन नहीं होते। और यही हुक्म है मकीलात और मौजूनात में जब वो मुतायन ना हो। मसलन खावंद ने निकाह किया औरत के साथ और महर यह मुकरर किया कि मैं तुम्हें 1000 कफीज गंदुम दूंगा, या महर यह मुकरर किया कि मैं तुम्हें 1000 मन चीनी दूंगा, यानी मकीलात या मौजूनात में से कोई मुकरर किया और इशारे से मुतायन नहीं किया, तो अब यह खावंद के जिम्मे में आ गए। जब खावंद के जिम्मे में आ गए और फिर खावंद ने ये लाकर बीवी के हवाले कर दिए, बीवी ने उन पर कब्जा किया और फिर खावंद को वापस कर दिए कि बस ये मेरी तरफ से आप रखें, तो याद रखो इस सूरत में भी निस्व महर के अंदर खावंद रुजू कर सकता है। वजह यह कि ये मकीलात और मौजूनात भी यहां मुतायन नहीं, क्योंकि इनकी तरफ इशारा नहीं किया गया था। तो जो खावंद ने बीवी को दिए थे वो महर के तौर पर थे, और जो बीवी ने वापस किए हैं ये उनके मिसल हैं, ये वही वाले नहीं हैं, तो ये हिबा है, लिहाजा वो रुजू कर सकता है निस्व महर में। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी सूरत देखिए, कहते हैं फइल्लम तकबिजिल अल्फा हत्ता वहबतहा लहू सुम्मा तल्लकहा कबल दुखूली बिहा लम यरजिउ वाहिदुम मिनहुमा अला साहिबिही बिशय। दूसरी सूरत, 1000 पर ही निकाह किया लेकिन औरत ने कब्जा किए बगैर ही खावंद को कह दिया कि वो 1000 दिरहम जो तुमने मेरा महर मुझे देना था वो मैंने तुम्हें माफ कर दिए, वो सारे तुम्हारे हो गए। पहली सूरत में तो औरत ने कब्जा करके वापस किए थे, दूसरी सूरत में औरत ने कोई कब्जा नहीं किया वैसे ही उसको माफ कर दिए। तो इस सूरत के अंदर, इस सूरत के अंदर हमारे तीनों अइमा का इत्तेफाक है कि दोनों में से कोई किसी पर रुजू नहीं करेगा,
यूं समझेंगे औरत को भी अपना महर मिल गया क्योंकि उसने खुद माफ किया है, उसने अपना महर खुद माफ किया है ना, तो जब महर एक दफा माफ कर दिया तो अब वो महर की मुस्तहिक न रही, वो तो उसने माफ कर दिया। और खावन जो है वो भी निस्वे महर में अब औरत पर रुजू नहीं करेगा, खावन जो है वो भी औरत पर निस्वे महर में रुजू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बीवी ने उसको सारा महर माफ कर दिया। जब सारा महर खावन को माफ कर दिया तो खावन सोहबत से पहले तलाक दे रहा है, तो औरत का हक कितना बनता था? निसफ। और निसफ खावन के पास रहने चाहिए थे, और जब बीवी ने सारे ही माफ कर दिए तो सारे ही खावन के पास रहे, तो जब सारा ही खावन के पास बाकी रह गया तो जो निसफ इसका हक बनता था वो भी इसी के पास ही रह गया। भाई देखो ना, फिर समझो, फिर समझो, औरत ने बगैर कब्जे ही के सारा महर खावन को माफ कर दिया। जब औरत ने सारा महर माफ कर दिया और खावन ने सोहबत से पहले तलाक दे दी तो औरत तो महर माफ कर चुकी है, लिहाजा औरत को कुछ नहीं मिलेगा। और खावन खावन जो है वो भी औरत पर रुजू नहीं कर सकता कि मेरा निस्व महर मुझे दे दो, इसलिए क्योंकि खावन किस बात का हकदार था कि निस्व महर खावन के पास सलामत रहना चाहिए, निसफ सलामत रहना चाहिए। निसफ तो औरत का हक बनता था, लेकिन औरत ने जब सारा ही माफ कर दिया तो सारा ही सलामत रह गया, तो जो निसफ खावन का हक बनता था वो भी उसके पास सलामत रह गया। लिहाजा खावन भी औरत पर रुजू नहीं कर सकता और औरत भी महर के सिलसिले में अब खावन पर रुजू नहीं कर सकती। बात समझ में आ गई? कहते हैं फइल्लम तक़बिज़िल अल्फ़ा, और अगर औरत ने 1000 दिरहम पर कब्जा नहीं किया, हत्ता वहबत हा लहू, यहां तक कि औरत ने वो सारा खावन को हिबा कर दिया। पहले मसले में कब्जा करके हिबा किया था और अब दूसरे मसले में बगैर कब्जे के ही हिबा कर रही है, तो हत्ता वहबत हा लहू, यहां तक कि औरत ने वो सारा उसको हिबा कर दिया यानी बगैर कब्जे ही के, सुम्मा तल्लकहा क़ब्ल दुखूली बिहा, फिर खावन ने उस औरत को तलाक दे दी सोहबत से पहले, लम यरजिउ वाहिदुम मिन्हुमा अला साहिबिही बिशैइन, तो रुजू नहीं करेगा दोनों में से कोई एक भी अपने साथी पर, बिशैइन किसी चीज के साथ, यानी दोनों में से कोई किसी चीज के साथ रुजू नहीं करेगा। वफिल कियासी, और कियास में यरजिउ अलैहा बिनिस्फ सदाकी, खावन औरत पर रुजू करेगा निस्व महर के साथ, सदाक महर को कहते हैं। वह हुआ कौल जुफर रहमहुल्ला, और यही कौल है इमाम जुफर रहमहुल्ला का। भाई हमारे तीनों अइमा फरमाते हैं मियां बीवी दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर रुजू नहीं करेगा। बीवी भी महर का मुतालबा नहीं कर सकती क्योंकि उसने सारा महर माफ कर दिया, सोहबत से पहले तलाक मिली है तो अब निस्व महर औरत का हक बनता है, लेकिन वो तो सारा ही माफ कर चुकी है, तो अपना निसब भी उसने माफ कर दिया। और खावन भी बीवी पर रुजू नहीं कर सकता कि मुझे निस्व महर दे दो, इसलिए क्योंकि खावन किस बात का हकदार था कि निस्व महर खावन के पास सलामत रहना चाहिए। जब सोहबत से पहले तलाक दे रहा है तो कितना महर खावन के पास सलामत रहना चाहिए? निसफ सलामत रहना चाहिए। निसफ तो औरत का हक बनता था, तो निसफ महर खावन के पास सलामत रहना चाहिए था, लेकिन औरत ने जब सारा ही माफ कर दिया तो सारा ही सलामत रह गया, तो जो निसफ खावन का हक बनता था वो भी उसके पास सलामत रह गया। नहीं तवज्जो, खावन सोहबत से पहले तलाक दे तो कितना महर उसके पास बाकी रहना चाहिए? निसफ रहना चाहिए। और औरत ने जब माफ कर दिया तो निसफ रहा या सारा ही बाकी रह गया खावन के पास? सारा ही बाकी रह गया, तो जब सारा ही खावन के पास बाकी रह गया तो जो निसफ इसका हक बनता था वो भी इसी के पास ही रह गया, तो जब वो इसके पास सलामत रहा तो अभी औरत पर रुजू नहीं कर सकता। जबकि इमाम जुफर फरमाते हैं कि खावन यहां भी निस्व महर में औरत पर रुजू कर सकता है, खावन यहां भी निस्व, जैसे पिछले मसले में था कब्जे के बाद औरत ने वापस किया था तो वहां निस्व महर में खावन रुजू कर सकता था, यहां औरत ने बगैर कब्जे के जब उसने सारा हिबा किया है तो भी खावन निस्व महर में रुजू कर सकता है। उस इमाम जुफर, याद रखो भाई, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्दों में से कियास के अंदर सबसे बड़े माहिर इमाम जुफर रहमहुल्लाह थे भाई, तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह यहां भी कियास पेश फरमाते हैं, और कियास यही तकाजा करता है कि खावन को आधे महर में रुजू करना चाहिए। सूरत कौन सी है? बगैर कब्जे के औरत ने सारा महर क्या कर दिया? माफ। वापस न कहें, वापस तो तब है जब कब्जा किया हो,
बगैर कब्जे की ही औरत ने सारा महार माफ कर दिया। तो इस सूरत में हमारे बाकिया इमा फरमाते हैं खावंद और बीबी एक दूसरे पर रुजू नहीं करेंगे, बस मसला खत्म हो गया, दोनों का हक अदा हो गया। लेकिन इमाम जुफर रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि खावंद निस्व महर में इस सूरत में भी रुजू करेगा। वो फरमाते हैं इसलिए क्योंकि खावंद का जो हक था वो उसको अभी भी नहीं मिला। खावंद का हक क्या था कि निस्व महर उसके पास सलामत रहना चाहिए था जी। क्यों सलामत रहना चाहिए था? तलाक कबल दुखूल की वजह से। तवज्जो से सुना, इमाम जुफर बड़ी गहरी बात फरमा रहे हैं। इमाम जुफर फरमाते हैं खावंद का यह हक था कि वह सोहबत से पहले तलाक दे रहा है, लिहाजा निस्फ महर खावंद के पास सलामत रहना चाहिए तलाक कबल दुखूल की वजह से जी। ये वजह सा जरूर मिलाना, खावंद के पास निस्फ महर सलामत रहना चाहिए किसकी वजह से? तलाक कबल दुखूल की वजह से सलामत रहना चाहिए। और ये जो औरत ने इसको महर माफ किया ये तो तलाक से पहले माफ किया है, तो ये इबरा की वजह से खावंद के पास सलामत रहा जी। सारा महर जब खावंद के पास रहा तो जो खावंद का हक था निस्फ महर वो भी खावंद के पास सलामत रहा, लेकिन तलाक कबल दुखूल की वजह से सलामत रहा ये इबरा यानी औरत के माफ कर देने की वजह से सलामत रहा। इबरा की वजह से, क्योंकि औरत ने तो तलाक से पहले माफ किया था जी। तो ये जो खावन के पास निस्फ महर सलामत रहा ये इबरा की वजह से रहा, इसका सबब इबरा है। हालांकि खावन का हक क्या था कि निस्फ महर तलाक कबल दुखूल की वजह से सलामत रहना चाहिए जी। तो सलामत तो रहा है लेकिन सबब अलग अलग हैं। एक वो है जो सलामत रहे तलाक कबल दुखूल की वजह से, एक वो है जो सलामत रहे इबरा की वजह से। दोनों अलग अलग चीजें हैं क्योंकि सबब अलग तो चीज भी अलग शुमार होती है। फिर सुनो, इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां खावंद सोहबत से पहले तलाक दे रहा है, लिहाजा खावंद का यह हक है कि निस्फ महर इसके पास सलामत रहना चाहिए तलाक कबल दुखूल की वजह से। और औरत ने तो सारा महर माफ कर दिया, जब सारा माफ कर दिया तो निसफ भी सलामत रहा, लेकिन ये निसफ तलाक कबल दुखूल की वजह से सलामत नहीं रहा बल्कि इबरा की वजह से सलामत रहा कि औरत ने माफ कर दिया था। तो सबब अलग है। तो खावंद का हक क्या? खावंद का हक ये कि निसफ महर उसके पास सलामत रहना चाहिए। किस वजह से? तलाक कबल दुखूल की वजह से सलामत रहना चाहिए। और अब भी निस्व महर खावंद के पास सलामत रहा लेकिन वो तलाक कबल दुखूल की वजह से नहीं सलामत रहा, औरत के मुआफ कर देने की वजह से, औरत के इबरा की वजह से सलामत रहा। तो जो खावंद का हक था वो और था और जो खावंद को मिला है वो और है, लिहाजा खावंद बीवी पर रुजू कर सकता है। दलील समझ में आ गई? तो कहते हैं वह फिल कियास यरजिउ अलैहा बिनिस्फ सदाकी, और कियास में खावंद रुजू कर सकता है बीवी पर निस्फ महर के साथ। वह हुआ कौलु जुफर रहिमहुल्लाह, और यही कौल है इमाम जुफर रहिमहुल्लाह का भी। लिअन्नहु सलिमल महरु लहू बिल इब्राई, इसलिए क्योंकि महर सलामत रहा खावंद के लिए बिल इब्राई उस बीवी के माफ कर देने की वजह से। फला तबराऊ, लिहाजा बीवी बरी नहीं होगी। अम्मा यस्तहिकुहु बित्तलाक कबल दुखूल, बीवी बरी नहीं होगी उस निस्फ महर से जिसका खावंद मुस्तहिक है बित्तलाक कबल दुखूल, तलाक कबल दुखूल की वजह से। तो जिसका खावंद तलाक कबल दुखूल की वजह से मुस्तहिक है वो तो खावंद को नहीं मिले, ये जो मिले हैं ये तो इबरा की वजह से मिले हैं। तो दोनों का सबब अलग, जब सबब अलग तो चीजें भी अलग। तो खावंद का ऐन हक उसको अभी भी नहीं मिला, वो बीवी पर रुजू कर सकता है। तर्जमा समझ में आया? कहते हैं लिअन्नहु सलिमल महरु लहू बिल इब्राई, इसलिए क्योंकि सारा महर सलामत रहा खावंद के लिए इबरा की वजह से, औरत के माफ करने की वजह से, यानी सबब अलग है। फला तबरउ अम्मा यस्तहिकुहु, लिहाजा औरत बरी नहीं हो सकती उस निस्व महर से जिसका खावंद मुस्तहिक है भी तलाक कबल दुखूल, तलाक कबल दुखूल की वजह से। यानी औरत ने जो दिया है वो तो इबरा की वजह से दिया है, तलाक कबल दुखूल की वजह से तो नहीं दिया। तो तलाक कबल दुखूल की वजह से खावंद को निसफ देना पड़ेगा। वजहुल इस्तेहसानी, तो ये तो था कियास। कियास के मुताबिक
खावन अभी भी निसफ महर में रुजू कर सकता है बीवी पर। लेकिन हमारे तीनों इमा क्या फरमाते हैं, मियां बीवी में से कोई एक भी दूसरे पर रुजू नहीं कर सकता। मालूम हुआ उनकी दलील इस्तेहसान है, यानी कियास खफी है। उनकी दलील क्या है? इस्तेहसान है, क्योंकि इस्तेहसान कियास खफी को उस वक्त कहते हैं जब उसके मुकाबले में क्या है, कियास जली। और यहां कियास जली इमाम जुफर ने जिक्र कर दिया और हमारी दलील अब इस्तेहसान है। तो कहते हैं वजहुल इस्तेहसान, और इस्तेहसान की वजह यह है कि अन्नहु वसला इलैहि ऐनु मा यस्तहिक्कुहु, कि खावंद को पहुंच गया ऐन वो निस्वे महर जिसका वो मुस्तहिक था। खावंद को ऐन वो निसफ हक पहुंच गया जिसका वो मुस्तहिक था। बित तलाक कबल दुखूल, तलाक कबल दुखूल की वजह से, तलाक कबल दुखूल की वजह से खावंद का जो हक बनता था कि निस्व महर खावंद के लिए सलामत रहना चाहिए, तो निस्व महर तो खावंद के लिए सलामत रहा। अगरचे सबब बदल गया है, तलाक कबल दुखूल की वजह से निस्व महर सलामत नहीं रहा बल्कि इबरा की वजह से सलामत रहा है। अगरचे सबब बदल गया है लेकिन सबब की परवाह नहीं की जाएगी, बस जब हकदार को हक मिल रहा है तो सबब अगर मुख्तलिफ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खावंद भी कितने का हकदार था कि निस्वे महर सलामत रहना चाहिए, और जब औरत ने माफ कर दिया तब भी क्या हुआ, निस्वे महर उसके लिए सलामत रहा, तो लिहाजा खावंद को उसका हक मिल गया। अगरचे सबब बदल गया, तो मिलना तो चाहिए था तलाक कबल दुखूल की वजह से, लेकिन मिला क्यों है, इबरा की वजह से। तो सबब बेशक बदल गए हैं लेकिन सबब मकसूद नहीं होता, सबब खुद मकसूद नहीं होता बल्कि मकसूद यह है कि हकदार को उसका हक मिल जाए, और खावंद जो हकदार था उसका हक उसे मिल गया। बात समझ में आ गई? कहते हैं वजहुल इस्तेहसान, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन्नहु वसला इलैहि ऐनु मा यस्तहिक्कुहु बित्तलाकी कबल दुखूल, के पहुंच गया है खावंद को ऐन वो निस्वे महर जिसका वो तलाक कबल दुखूल की वजह से मुस्तहिक था। वह हुआ बराअतु जिम्मतिही अन निस्फिल महरी, और वो खावंद का हक क्या था, बराअतु जिम्मतिही अन निस्फिल महरी, के खावंद का जिम्मा निस्वे महर से बरी होना चाहिए। खावंद का जिम्मा निस्व महर से बरी होना चाहिए था तलाक की वजह से, यानी निस्व महर उसके लिए सलामत रहना चाहिए था, और जब पूरा ही औरत ने बरी कर दिया तो निस्व महर से भी बरी कर दिया या नहीं कर दिया, तो खावंद को उसका हक मिल गया भाई। तो कहते हैं फिर तर्जमा देखिए, कहते हैं वजहुल इस्तेहसान, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन्नहु वसला इलैही, के खावंद को पहुंच गया है ऐनु मा यस्तहिक्कुहु, ऐन वो निस्व महर जिसका वो मुस्तहिक था, बित्तलाक कबल दुखूल, तलाक कबल दुखूल की वजह से खावंद को ऐन उसका हक पहुंच गया है, और ऐन हक उसका क्या था वो अब बयान कर रहे हैं। वो हुआ बराअतु जिम्मतिही अन निस्फिल महरी, और वो ये कि खावंद का जिम्मा बरी होना चाहिए था निस्फ महर से, जब औरत ने सारा माफ कर दिया तो निस्फ महर से भी उसका जिम्मा क्या हो गया, तो सारे के अंदर निसफ भी आ गया, तो उस निस्फ महर से खावंद का जिम्मा बरी हो गया। वला युबाला बिख्तिलाफ इस सबब, और परवाह नहीं की जाएगी इख्तिलाफ सबब की, सबब के मुख्तलिफ होने की, इंद हुसूल इल मकसूद, जब मकसूद हासिल हो रहा हो खामंद को, जब उसका हक मिल रहा है। अगरचे सबब अलग है, मिला है इबरा की वजह से, मिलना किस लिए चाहिए था, तलाक कबल दुखूल की वजह से, तो सबब के इख्तिलाफ से कुछ नहीं होता, उसकी परवाह नहीं की जाएगी, जब मकसूद हासिल हो रहा है खावंद को उसका हक मिल रहा है। तो यह माना है वला युबाला बिख्तिलाफ इस सबब इंद हुसूल इल मकसूदी, और कोई परवाह नहीं की जाएगी सबब के मुख्तलिफ होने की जिस वक्त मकसूद हासिल हो रहा हो। बात समझ में आ गई? वला कबजत खम समी अतिन सुम्मा वह बतिल अल्फ कुल्लहल मकबूज व गई रहू अब वह बतिल बाकिया। अब दूसरी सूरत आ गई। पहली सूरत क्या थी? औरत ने कब्जा करके वापस कर दिए थे, औरत ने कब्जा करके हिबा कर दिया था, तो खावंद निस्व महर में रुजू कर सकता है क्योंकि खावंद को ऐन उसका हक नहीं मिला। तवज्जो है? जो बीवी को दिए थे वो और दिरहम थे, जो बीवी ने दिए हैं वो और दिरहम हैं। दूसरी सूरत क्या थी कि औरत ने बगैर कब्जे के ही सारा महर माफ कर दिया, तो हमारे अइमा फरमाते हैं मियां बीवी में से कोई एक दूसरे पर रुजू नहीं करेगा, जबकि इमाम जुफर फरमाते हैं कि निस्फ महर में यहां भी खावंद रुजू कर सकता है।
अब तीसरी सूरत आ गई कि बीवी ने कुछ महर पर कब्जा किया है, सारे पर नहीं, कुछ पर कब्जा किया है, और फिर वो कुछ भी खावंद को वापस कर दिए और बाकी भी माफ कर दिए, या जो कुछ मिकदार पर उसने कब्जा कर लिया है वो तो वापस नहीं किए लेकिन बाकी के माफ कर दिए। तो यहां दो सूरतें इकट्ठी हैं, औरत ने सारे पर कब्जा नहीं किया बल्कि कुछ पर कब्जा किया है। फिर इसमें दो सूरतें हैं, ये जो कुछ पर कब्जा है ये भी औरत वापस कर देगी और बाकी का भी सारा माफ कर देगी, एक सूरत, या जो औरत ने वसूल कर लिया वो तो वापस नहीं दे रही लेकिन बाकी का वो माफ कर देती है। बात समझ में आ गई? तो फिर इस सूरत में क्या मसला होगा? तो इमाम साहब जो है वो जो बाकी रह जाएगा उसका एतबार करते हैं और साहिबैन जिस पर कब्जा किया है औरत ने उसका एतबार करते हैं। तवज्जो है, सूरत क्या, महर कितना है 1000, औरत ने कुछ पर कब्जा कर लिया, मसलन निसफ पे, औरत ने निसफ पर कब्जा कर लिया और बाकी का निसफ मुआफ कर दिया, या ये वाले भी वापस कर दिए और बाकी भी माफ कर दिए। तो इस सूरत में साहिबैन फरमाते हैं कि औरत ने जितने पर कब्जा किया है उसके निसफ में खावंद रुजू कर सकता है। मसलन महर कितना था 1000, औरत ने 500 ले लिए, 500 लेने के बाद औरत चाहे ये 500 अपने पास ही रखे और बाकी वाला माफ कर दे, या ये 500 भी वापस कर दे और सारा ही माफ कर दे। तवज्जो है, दोनों सूरतों में साहिबैन फरमाते हैं चाहे औरत ये 500 भी वापस करे या ना करे, ये जो औरत ने जिस पर कब्जा कर लिया है इसके निसफ में खावंद रुजू करेगा। साहिबैन इसको कियास करते हैं जब बीवी कुल पर कब्जा करती थी, और जब बीवी सारे पर कब्जा करके वापस करती थी तो निसफ के अंदर वहां खावंद रुजू कर सकता था। तो यहां अगर निसफ के अंदर बीवी ने कब्जा किया है तो इस निसफ के अंदर खामद रुजू कर सकता है। साहिबैन क्या फरमाते हैं, जब बीवी कुल पर कब्जा करती थी तो निसफ में खामद रुजू कर सकता था, तो बीवी जब सारे पर कब्जा करती थी तो खामद निसफ में रुजू कर सकता था। तो अगर सारे पर बीवी ने कब्जा नहीं किया, कुछ मिकदार पर कब्जा किया है, तो जितने पर बीवी ने कब्जा किया है उसके निसफ में खामद रुजू कर सकता है। तो साहिबैन के नजदीक मकबूज का एतबार है जितने पर बीवी ने कब्जा किया है। अगर बीवी कुल पर कब्जा करती थी तो खावंद उसके निसफ में रुजू करता था, तो अगर बाज पर कब्जा करेगी तो उस बाज के निसफ में खावंद रुजू कर सकता है। बात समझ में आ गई? जबकि इमाम साहब के नजदीक जो खावंद के लिए सलामत रहा उसका एतबार किया जाएगा, खावंद के लिए निसफ सलामत रहना चाहिए था। अगर निसफ खावंद के लिए सलामत रह गया है, बीवी ने कुछ ले लिया और कुछ खामंद के लिए रह गया, तो अगर वो जो सलामत रहा है वो निसफ है तो खावंद बीवी पर रुजू नहीं करेगा, और अगर वो निसफ से कम है तो उसको निसफ पूरा करवा लेगा, उसको निसफ पूरा करवा लेगा। बात समझ में आ रही है? देखो साहिब हिदायत इसको और अच्छे अल्फाज में बयान करेंगे। वलौ कबजत खमसा मीअतिन, और अगर औरत ने 500 दिरहम पर कब्जा कर लिया, सुम्मा वहबतिल अल्फा कुल्लाहा, फिर वो सारा 1000 उसने हिबा कर दिया, अल मकबूजा वगैरहू, जो जिस पर कब्जा किया था वो भी और गैर मकबूज जो था वो भी सारा माफ कर दिया। 500 दिरहम लिए खावन से, महर कितना था 1000, लिए कितने 500 मसलन, और फिर ये 500 भी वापस कर दिए और जो 500 बाकी थे वो भी माफ कर दिए, सारा वापस कर दिया। अब वह बतिल बाकिया, ये दूसरी सूरत, ये जो 500 ले लिया ये तो वापस नहीं किए लेकिन बाकी जो 500 बच गए थे वो सारे उसको हिबा कर दिए कि वो तुम ही रखो, वो मुझे देने की जरूरत नहीं, वो मैंने तुम्हें हिबा कर दिए। दोनों सूरतें। तो कहते हैं औ वहबत इल बाकिया, या बीवी ने बाकी जो है उस खावन को हिबा कर दिया, ये जो कब्जा किया वो नहीं वापस किया, बाकी हिबा कर दिया। सुम्म तल्लकहा क़ब्ल अद्दुखूल बिहा, फिर खावन ने इसको सोहबत से पहले तलाक दे दी। लम यरजिअ वाहिदुम मिनहुमा अला साहिबिही, अच्छा, लम यरजिअ वाहिदुम मिनहुमा अला साहिबिही बिशयइन, भाई इस मसले को निसफ में ही रखें, मैंने तो कहा बाज पे अगर कब्जा किया है, तवज्जो है, निसफ पे रखें कि
बीवी ने जो महर मुकर्रर था उसके निसफ पर कब्जा किया और फिर वो मकबूज भी और गैर मकबूज सारा खावंद को हिबा कर दिया, या मकबूज तो वापस नहीं किया, बाकी वाला जो है वो सारा खावंद को हिबा कर दिया। तो इन दोनों सूरतों में भी इमाम साहब फरमाते हैं कि बीवी ने निसफ पर कब्जा किया है तो खावंद के लिए निसफ सलामत रह गया, और खावंद के लिए भी निसफ सलामत ही रहना चाहिए था तो खावंद को उसका हक मिल गया, तो बीवी पर वो रुजू नहीं कर सकता, और बीवी भी रुजू नहीं कर सकती क्योंकि उसने खुद माफ किया है भाई। जबकि साहिबैन फरमाते हैं मकबूस का एतबार है, जब औरत कुल पे कब्जा करती थी तो खावंद उस कुल के निसफ में रुजू करता था, तो जब बीवी ने निसफ में कब्जा किया है तो इस निसफ के निसफ में खावंद रुजू करेगा और 250 दिरहम वापस ले लेगा। बात समझ में आ गई, दलील उनकी आ रही है आगे। तो कहते हैं लम यरजिउ वाहिदुम मिनहुमा अला साहिबिही बिशैइन इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, तो दोनों में से कोई एक भी रुजू नहीं करेगा अपने साथी पर किसी चीज के साथ, इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह इमाम साहिब के नजदीक, क्योंकि खावंद का हक कितना था कि निसफे महर उसके पास सलामत रहना चाहिए, तो औरत ने तो आधे पर ही कब्जा किया है चाहे उसने वापस किया है या वापस नहीं किया, तो आधा तो खावंद के पास सलामत रहा तो खावंद को उसका हक मिल चुका है भाई। वकाल और साहिबैन फरमाते हैं यरजिउ अलैहा बिनिसफी मा कबजत, कि खावंद औरत पर रुजू करेगा बिनिसफी मा कबजत, उसका निसफ जिस पर औरत ने कब्जा किया था। क्यों? कहते हैं एतबारन लिल बाजी बिल कुल्ली, कियास करते हुए बाज को कुल पर, जब कुल पर औरत कब्जा करती थी तो खावंद निसफ में रुजू कर सकता था, तो जब बाज पर औरत कब्जा करेगी तो उस बाज के निसफ में खावंद रुजू करेगा। यह माना है एतबारन लिल बाजी बिल कुल्ली, कियास करते हुए बाज को कुल पर, वली अन नहीं बतल बाजी हद तुन फयल हक भी असलिल आकदी, और नीस क्योंकि साहिबैन का जाबता यह है, साहिबैन का जाबता यह है कि महर के अंदर जिस मिकदार पर कब्जा नहीं किया और माफ कर दी वो असले अकद के साथ ही लाहिक हो जाता है। महर कितना है? 1000। औरत ने कितने पर यहां कब्जा किया? निसफ पर, तो बाकी निसफ औरत ने माफ कर दिया, तो साहिबैन का जाबता यह है वो गैर मकबूज जिस पे औरत ने कब्जा नहीं किया और उसको माफ कर दिया वो कमी असले अकद में शुमार की जाएगी। अब यूं समझा जाएगा कि निकाह के वक्त महर 1000 रखा ही नहीं था, 500 रखा था, ये जो बाद में माफ किया है बगैर कब्जे के ये किसके साथ मिल जाएगा? असले अकद के साथ। वो इसको कियास करते हैं बेअ पर, याद रखो बेअ के अंदर आप पढ़ चुके हैं बाय जो है समन में कमी कर सकता है, एक चीज 1000 रुपए की है बाय मुश्तरी को कह सकता है मुझे सिर्फ 500 दे दो जी। इसी तरह मुश्तरी समन में ज्यादती कर सकता है, 1000 रुपए की चीज है मुश्तरी कहता है ये लो मेरी तरफ से 1500 रुपए आप रखो, तो बेअ के अंदर समन के अंदर जो कमी या ज्यादती की जाए वो असले आकद के साथ मिल जाती है। यूं समझा जाता है आकद ही इतने में हुआ था, मसलन मैंने आपसे किताब खरीदी 1000 रुपए की और फिर जब मैंने आपको 1000 देने लगा तो आपने कहा मुझे सिर्फ 500 दे दो, तो आपने कमी कर दी तो मैंने 500 आपको दे दिए। अब यूं समझा जाएगा आपका मेरा आकद हुआ ही 500 पर है, हालांकि आकद तो 1000 पर हुआ था, लेकिन क्या समझा जाएगा गोया अकद ही 500 पर हुआ है, वो जो कमी है वो असले अकद में शामिल हो जाएगी, असले अकद के साथ मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? तो साहिबैन फरमाते हैं जैसे बेअ के अंदर कमी की जाए तो वो असले अकद के साथ लाहिक हो जाती है, इसी तरह निकाह के अंदर अगर कब्जा किए बगैर ही औरत कुछ माफ करेगी तो असले अकद के अंदर जो महर था तो यह कमी उसी के अंदर शुमार होगी। मसलन महर कितना था? 1000। औरत ने कब्जा कितने पर किया है? 500 पर, तो बाकी 500 औरत ने माफ कर दिए, तो साहिबैन फरमाते हैं ये 500 जो औरत ने बगैर कब्जे के माफ किए हैं ये असले अकद के साथ लाहिक हो जाएगी, गोया वहीं पर महर 1000 नहीं मुकरर हुआ था बल्कि 500 मुकरर हुआ था जी। तो अब औरत ने कब्जा कितने पर किया है? 500 पर, और 500 औरत ने बगैर कब्जे के ही माफ कर दिए, तो गोया औरत का महर था ही कितना?
500, और खावन ने भी कितने दिए हैं 500, महर भी 500 था, खावन ने भी 500 दिए हैं, और तलाक सोहबत से पहले दी है, और जब तलाक सोहबत से पहले दी जाए तो औरत को पूरा महर मिलता है या निस्फे महर? निस्फे महर मिलता है, लिहाजा खावन इस 500 में से 250 वापस वसूल कर लेगा। बात समझ में आ गई, ये माना है। कहते हैं वकाला साहिबैन, फरमाते हैं यरजिउ अलैहा बिनिस्फि मा कबजत, कि खावंद रुजू करेगा उस औरत पर उसके निसफ के साथ जिस पर औरत ने कब्जा किया है। एतबारन लिल बाज़ बिल्कुल, कियास करते हुए बाज को कुल पर। वली अन्न हिबतल बाज़ हत्तुन, इसलिए क्योंकि बाज का हिबा करना ये कमी है, ये कम करना है। वली अन्न ही बतल बाज हत्तुन, इसलिए क्योंकि बाज का हिबा करना, यानी वो बाज जिस पर अभी कब्जा नहीं किया। ले अन्न ही बतल बाज हत्तुन, इसलिए क्योंकि हिबा करना उस बाज का जिस पर कब्जा नहीं किया। हत्तुन, ये महर में कमी करना है। फयल हकु भी असल आकदी, तो ये असल आकद के साथ ही मिल जाएगी ये कमी। तो गोया महर था ही कितना, 500 था भाई। वली अबी हनीफा रहिमहुल्ला, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्ना मकसूद अज़्ज़ौजी हासला, कि खावंद का मकसूद हासिल हो गया। औरत ने तो निसह महर पर कब्जा किया है तो खावंद का मकसूद हासिल हो गया। भाई वो क्या मकसूद है खावंद का? कहते हैं वह हुआ सलामतुन निसफ़ सदाकी बिला इवज़िन, और वो ये कि खावंद के लिए निसफ़ महर सलामत रहे बिला इवज़िन, बगैर किसी इवज के। भाई याद रखो, अगर इवज आ गया तो फिर यूं समझेंगे महर सलामत ही ना रहा। मसलन औरत ने कितने पर कब्जा किया है यहां, 500 पर, और बाकी 500 वो खावंद को कहती है यूं करो मुझे ये कपड़े का एक थान दे दो इसके इवज में, वो बाकी 500 मैंने आपको माफ कर दिए, वो 500 आपको मैंने माफ कर दिए। अब खावंद के पास देखो 500 सलामत रहे, लेकिन वैसे ही सलामत रहे या खावंद को उसका इवज देना पड़ा? इवज देना पड़ा, एक कपड़े का थान देना पड़ा। तो मालूम हुआ खावंद को उसका हक नहीं मिला। खावंद का हक तो क्या था कि उसने सोहबत से पहले तलाक दी है, लिहाजा निस्फ महर खावंद के पास सलामत रहना चाहिए बगैर किसी इवज के। और खावंद के पास जो निसफ सलामत रहा है वो बगैर इवज के रहा है या इवज के साथ बाकी रहा है? इवज के साथ, लिहाजा खावंद को उसका हक नहीं मिला, फिर खावंद रुजू कर सकता है। लेकिन यहां वो सूरत जिक्र हो रही है कि औरत ने इवज नहीं लिया, बगैर इवज के ही खावंद को वो माफ कर दिए, तो खावंद के लिए निसफ महर सलामत रहा बिला इवज के, तो खावंद को उसका हक मिल गया। तो ये माना है। वली अबी हनीफा रहिमहुल्ला, इमाम साहब की दलील ये है कि अन्ना मकसूद अज़्ज़ौज हासला, के खावन का मकसूद जो था वो हासिल हो गया। वह हुआ सलामतुन निस्फ सदाकी बिला इवज़िन, और वो ये कि खावन के लिए निस्फ महर सलामत रहे बगैर किसी इवज के। फला यस्तौजिबु रुजूअ इंदत तलाकी, इस्तौजबा यस्तौजिबु का माना मुस्तहिक होना, हकदार होना। फला यस्तौजिबु, लिहाजा खावंद हकदार नहीं है अर रुजू इंद तलाकी, कि वो बीवी पर रुजू करे तलाक के वक्त, क्योंकि खावंद को उसका हक मिल चुका है। वल हत्तुला यल्तहिक बी असल अल्अक्द फिन निकाही। अब इमाम साहब की तरफ से जवाब दे रहे हैं साहिबैन को। साहिबैन क्या फरमाते थे कि अगर निकाह के बाद भी बीवी अगर महर में कमी करती है तो वो कमी असले आकद के साथ लाहिक हो जाती है, असले आकद ही गोया कम महर पर हुआ था। इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, ब्याह के अंदर तो अगर समन में कमी की जाएगी वो असले आकद के साथ लाहिक हो जाएगी, लेकिन निकाह के अंदर अगर कमी की जाएगी तो वो असले आकद के साथ लाहिक नहीं होगी। तो कहते हैं वलहत तुला यल्तहिक भी असल अल्अक्द फिन निकाही, और कमी जो है वो असल अक़द के साथ नहीं मिलेगी निकाह में। अला तारा, क्या आप देखते नहीं, अन्न ज़ियादत फीही ला तल्तहिक हत्ता ला तनस्सफु। याद रखो ये जो ला तनस्सफु है ये असल में है ला ततनस्सफु, यहां हत्ता के बाद अन मुकद्दर नहीं होगा, लिहाजा रफा ही पढ़ेंगे हत्ता ला ततनस्सफु। और आपने जाब्ता पढ़ा है सर्फ के अंदर कि बाबे तफाउल या बाबे तफाउल, इनके शुरू में दो ताए मफतूहा जमा हो जाएं, यानी दो ता आ जाएं और दोनों पर जबर हो
तो दोनों में से एक को हजफ करना जायज। तो ला ततनस्सफु कहना भी जायज और ला तनस्सफु कहना भी जायज। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज्जलुल मलाइकतु, हालांकि असल में क्या है ततनज्जलु, तो यहां पर भी एक ता को हजफ कर लिया गया। अला तारा, क्या आप देखते नहीं अन्न ज़ियादत फीहि ला तल्तहिकु हत्ता ला तनस्सफु, क्या आप देखते नहीं कि महर के अंदर जो ज्यादती है ला तल्तहिकु वो भी असल अकद के साथ नहीं मिलती, हत्ता ला तनस्सफु यहां तक कि वो भी आधा नहीं होता। भाई पीछे मसला गुजरा था, पीछे मसला गुजरा था, हमारे तीनों आइमा फरमाते हैं मसलन औरत का महर 1 लाख मुकर्रर किया है और बाद में खावंद कहते हैं मैं तुम्हें 1 लाख नहीं दूंगा 2 लाख महर दूंगा, 2 लाख महर दूंगा, तो हमारे अइमा फरमाते हैं ये जो बाद में ज्यादती की है ये खावंद पर लाजिम है, अगर उसने सोहबत कर ली तो अब ये सारा महर देना पड़ेगा। लेकिन अगर सोहबत से पहले खावंद ने तलाक दे दी तो हमारे तीनों अइमा फरमाते हैं कि वो जो आकद में मुकरर किया था उसी का निसफ देना पड़ेगा, जो बाद में मुकरर किया है उसका एतबार नहीं। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का पहला कौल ये था कि बाद वाले का भी एतबार है, लेकिन उनका आखिरी कौल तरफेन के साथ था भाई। तो इमाम साहब फरमाते हैं जैसे महर के अंदर ज्यादती की जाए तो वह असल आकद के साथ नहीं मिलती, वह असल आकद के साथ नहीं मिलती, सोहबत से पहले तलाक देगा तो जो आकद में मुकर्रर किया था उसी का निसब देना पड़ेगा, बाद वाले का कोई एतबार नहीं। तो महर के अंदर जो ज्यादती है वो असल आकद के साथ नहीं मिलती, तो महर के अंदर जो कमी भी औरत करेगी वो भी असल आकद के साथ नहीं मिलेगी। तो इमाम साहब फरमाते हैं अला तरा, क्या आप देखते नहीं अन्ना ज्यादत फीही के महर के अंदर जो ज्यादती की जाए ला तल तहिकु वो मिलती नहीं है, यानी वो असल आकद के साथ नहीं मिलती, हत्ता ला तनस्सफु यहां तक कि वो भी आधा नहीं होता, जो बाद में ज्यादती की है उसको आधा नहीं किया जाता, जो आकद में मुकर्रर किया था उसी को आधा किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। हासिल कलाम यहां तक यह हुआ कि साहिबैन के नजदीक एतबार मकबूस का होता है जिस पर औरत ने कब्जा किया है, तो महर ही गोया उतना था तो निसफ के अंदर खावंद उसमें रुजू कर सकता है, और जबकि इमाम साहब के नजदीक एतबार उसका है जो खावंद के लिए सलामत रहा, तो खावंद के लिए निसफ सलामत रहना चाहिए, तो अगर खावंद के लिए निसफ सलामत रहा है तो खावंद का हक अदा हो गया। तो इमाम साहब के नजदीक एतबार किसका है जो खावंद के पास सलामत रहा, और साहिबैन के नजदीक एतबार किसका है जिस पर औरत ने कब्जा किया है उसके निसफ में खावंद रुजू करेगा। बात समझ में आ गई। अब इसी में देखो वलौ कानत वहबत अकल मिन निसफी, अब चौथी सूरत आ गई, फिर दोहरा लें सारी सूरतें। पहली सूरत कि महर 1000 मुकरर किया और औरत ने सारे 1000 पर कब्जा किया और फिर वो वापस कर दिए, हिबा कर दिए खावंद को, तो फिर उस वक्त हमारे नजदीक निस्फ महर के अंदर खावंद रुजू करेगा, क्योंकि दिरहम और दीनार तायीन से मुतायन नहीं होते, तो जो खावंद ने 1000 दिए थे महर वाले वो और थे और जो बीवी ने हिबा किए वो गोया और थे। उसके बाद फिर यह सूरत जिक्र की अगर औरत बगैर कब्जे के ही सारा महर माफ कर दे, तो इस सूरत के अंदर हमारे तीनों आइम्मा फरमाते हैं कि मियां बीवी एक दूसरे पर रुजू नहीं कर सकते क्योंकि खावंद को उसका हक मिल गया। खावंद का हक क्या था कि इसको निस्फ महर से बराअत मिलनी चाहिए, और जब औरत ने सारा माफ कर दिया तो वह निस्फ महर भी इसके अंदर आ गया। और फिर तीसरी सूरत जिक्र की अगर औरत निसफ पर कब्जा करती है तो फिर इस सूरत में साहिबैन के नजदीक जिस पर कब्जा किया उसका एतबार है, उसके निसफ में खावंद दोबारा रुजू कर सकता है, जबकि इमाम साहब के नजदीक जो खावंद के लिए सलामत रहा बाकी रहा है, जो सलामत रहा है उसका एतबार है, तो अगर खावंद के लिए आधा सलामत रहा है तो वह रुजू नहीं करेगा। तो अब चौथी सूरत आ गई, चौथी सूरत यह है कि औरत ने जो हिबा किया है वो निसफ से कम हिबा किया है। तीसरी सूरत में तो क्या था, निसफ हिबा किया था, अब चौथी सूरत है कि औरत ने निसफ से कम हिबा किया और बाकी पर कब्जा कर लिया, मसलन 800 पर कब्जा कर लिया
और 200 माफ कर दिए, 200 हिबा कर दिए, तो निसफ से कम हिबा किया है, तो अब क्या मसला होगा? तो साहिबैन के नजदीक उसी तरह मकबूज का एतबार है, और औरत ने 800 पर कब्जा किया है तो गोया महर ही 800 था, और औरत को तो सोहबत से पहले तलाक दी है, तो इसको 800 नहीं मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए? 400। तो 400 के अंदर खामद रुजू कर लेगा। तो साहिबैन के नजदीक जिस पर कब्जा किया है उसका एतबार है, उसके निसफ में खावंद रुजू कर लेगा। जबकि इमाम साहब के नजदीक जो खावंद के लिए सलामत रहा उसका एतबार है, 800 औरत ने ले लिए लेकिन 200 तो खावंद के लिए सलामत रहे, और खावंद के लिए कितना सलामत रहना चाहिए था? 500 सलामत रहना चाहिए था, लिहाजा इमाम साहब के नजदीक खावंद 300 मजीद औरत से वसूल कर लेगा, तो अब खावंद के लिए 500 सलामत हो गए। तो साहिबैन के नजदीक जब औरत ने 800 पर कब्जा किया है और 200 माफ किए हैं तो खावन 400 में रुजू करेगा, और इमाम साहब के मुताबिक 300 में रुजू करेगा ताकि 500 पूरे हो जाएं। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वला उकानत वहबत अकल्ला मिनन निस्फी, और अगर औरत ने निसफ से कम हिबा कर दिया, वकबजतिल बाकिया, और बाकी पर कब्जा कर लिया, फाइंदहू यरजिउ अलैहा इला तमामिन निस्फी, तो इमाम साहब के नजदीक खावंद औरत पर रुजू करेगा, इला तमामिन निस्फी, निसफ के पूरा होने तक, यानी निसफ को पूरा कर लेगा, 200 सलामत रह गए तो 300 और लेकर 500 पूरे कर लेगा। वइंदहुमा बिनिस्फिल मकबूस, और साहिबैन के नजदीक खावंद रुजू करेगा औरत पर निस्फ मकबूस के साथ, यानी 800 जिस पर उसने कब्जा किया है उसका निसफ यानी 400 वापस ले सकता है। आगे देखिए वलौ कानत तज़व्वजहा अला अर्ज़िन फ़क़बज़त औ लम तक़बिस फ़वहबत लहू सुम्मा तल्लक़हा क़ब्ल अद्दुख़ूल बिहा लम यरजिअ अलैहा बिशैइन। सूरत मसला ये, अब खावंद ने सामान पर औरत से निकाह किया है, मसलन कपड़े के 50 थान पड़े हुए हैं, या कुछ बर्तन बने हुए पड़े हैं काफी सारे, या मसलन फर्नीचर पड़ा हुआ है काफी सारा, खावंद ने उस सारे पर औरत से निकाह कर लिया, और ये चीजें तो तायीन से मुतायन हो जाती हैं, लिहाजा ये मुतायन हैं। अब खावन ने ये सारी चीज औरत को दे दी कि लो ये मेरी तरफ से महर तुम रखो, तो फिर वो औरत इस खावन को माफ कर देती है, चाहे कब्जा करे चाहे कब्जा न करे, दोनों सूरतों में याद रखो खावंद को उसका हक मिल गया, खावंद अब रुजू नहीं कर सकता, क्योंकि सामान तो तायीन से मुतायन हो जाता है। तो जब खावंद ने बीवी को दिया तो बीवी चाहे कब्जा करके फिर वापस कर रही है, तो मालूम हुआ वही चीज वापस कर रही है, वही महर ही ये वापस कर रही है, कोई और चीज वापस नहीं। दिरहम और दीनार वगैरह में तो हम कहते थे कि ये वो चीज वापस नहीं कर रही, और चीज वापस कर रही है, लेकिन यहां पर तो जो महर पर जिस पर कब्जा किया था वो ही चीज वापस कर रही है, लिहाजा खावंद का भी यही हक था, उसको ये आधी चीज वापस मिलनी चाहिए थी, तो इसको आधी मिल गई है या पूरी मिल गई है तो खावंद का हक अदा हो जाएगा। तो कहते हैं वलौ काना तज़व्वजहा अला अर्ज़िन, और अगर खावन ने निकाह किया औरत से अला अर्ज़िन किसी सामान पर, देखो यानी ऐसी चीज जो तायीन से मुतायन हो जाती है, फ़क़बज़त औ लम तक़बिज़, तो वो औरत ने उस पर कब्जा कर लिया, औ लम तक़बिज़ या कब्जा नहीं किया, यानी दोनों सूरतों में मसला एक ही होगा, तो औरत ने उस पर कब्जा कर लिया, औ लम तक़बिज़ या उसने कब्जा नहीं किया, फ़वहबत लहू, तो खावंद को वो हिबा कर दिया, कब्जा करके हिबा कर दिया, ये लो वापस ले लो, या बगैर कब्जे ही के क्या कहा, मैंने माफ कर दिया, मैंने हिबा कर दिया, सुम्मतल्लक़हा क़ब्ल अद्दुख़ूलि बिहा, फिर खावंद ने उस औरत को तलाक दे दी सोहबत से पहले, लम यरजि अलैहा बिशैइन, तो खावंद रुजू नहीं करेगा उस औरत पर किसी भी चीज के साथ, खावंद रुजू नहीं कर सकता क्योंकि खावंद को वो सारा सामान वापस मिल गया, और खावंद का हक तो निसफ में था, तो जब सारा मिल गया तो उसमें निसफ भी आ गया, और वही चीज वापस मिली है जिसका ये हकदार था, क्योंकि ये वही सामान है, ये तायीन से मुतायन हो चुका है भाई। और याद रखो ये भी इस्तेहसान है कि खावंद उस पर रुजू नहीं करेगा, कियास यहां भी तकाजा करता है कि खावंद को निस्फ महर में उस निस्फ सामान में रुजू करना चाहिए। वजह यह कि ये जो निस्फ खावंद को मिला है ये औरत के माफ कर देने की वजह से मिला है,
और हालांकि खावंद का हक क्या था कि उसको तलाक कबला दुखूल की वजह से मिलना चाहिए था, तो सबब अलग अलग हो गए। तो इमाम जुफर फरमाते हैं खावंद को जो सामान मिला है वो इबरा की या हिबा की वजह से मिला है, और खावंद हकदार किसका था कि इसको निसफ मिले तलाक कबला दुखूल की वजह से। तो जो सामान मिला है वो और है, और जो खावंद का हक था वो और है, वो इसको अभी भी नहीं मिला, लिहाजा निसफ सामान में वो रुजू कर सकता है। ये कौन फरमाते हैं? इमाम जुफर रहमहुल्लाह। तो कहते हैं वफील कियास व हुवा कौल जुफर रहमहुल्लाह, और कियास में और वही कौल है इमाम जुफर रहमहुल्लाह का, रजा अलैहा बिनिस्फ कीमती ही, खावंद रुजू करेगा औरत पर उसकी निसफ कीमत के साथ। खावंद रुजू करेगा निस्फ कीमत औरत से ले लेगा इमाम जुफर फरमाते हैं। सवाल, निस्फ कीमत क्यों? वही सामान निसब देना चाहिए औरत को, लेकिन आप क्या फरमा रहे हैं वो औरत को निस्फ कीमत देना पड़ेगी, खावंद के हवाले करना पड़ेगी। वजह यह कि सामान तो उसने सारा खावंद को वापस कर दिया था, तो सामान तो इस वक्त खावंद के कब्जे में है, तो वो तो औरत दे ही नहीं सकती अब, तो जाहिर सी बात है फिर उसकी कीमत ही देना पड़ेगी। भाई एक माल किसी के जिम्मे हो और वो चीज नहीं दे सकता तो फिर क्या देना पड़ता है? उसकी कीमत देना पड़ती है। तो इमाम जुफर फरमाते हैं रजा अलैहा बिनिस्फ कीमती ही, खावंद रुजू करेगा औरत पर उस सामान की निस्फ कीमत के साथ। लिअन अलवाजिब फीही, इसलिए क्योंकि इस सूरत के अंदर वाजिब यह है रद्दुन निस्फ ऐनिल महरी, कि ऐन महर का निसफ वापस किया जाए, ऐन महर का निसफ वापस किया जाए। अला मा मर्रा तकरीरुहू, उस बिना पर जो तकरीर गुजर गई, उस वजह से जो इसकी तकरीर गुजर गई कि खावंद को जो मिला है वो हिबा की वजह से मिला है, और खावंद को मिलना जो चाहिए था वो तलाक कबला दुखूल की वजह से मिलना चाहिए था, तो खावंद का जो हक है वो उसको अभी भी नहीं मिला, तो वो रुजू कर सकता है। आला मामर तकरीरुहू, उसी बिना पर जिसकी तकरीर गुजर गई। आगे देखिए वजहुल इस्तेहसान, हमारे अइमा क्या फरमाते हैं? इमाम जुफर फरमाते हैं निसफ में खावंद रुजू करेगा जब सामान औरत ने सारा वापस कर दिया है, तो इमाम जुफर फरमाते हैं आधे में खावंद रुजू कर सकता है। हमारे अइमा फरमाते हैं खावंद रुजू नहीं कर सकता, तो वो इस्तेहसान है। अब उसकी वजह भी जिक्र फरमा रहे हैं, कहते हैं वजहुल इस्तेहसान, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन हक्कहु इंद तलाकी, इसलिए क्योंकि खावंद का हक जो है तलाक के वक्त सलामतुन निस्फिल मकबूजी, के खावंद के लिए निस्फ मकबूज सलामत रहना चाहिए था, मिन जिहतिहा, उस औरत की जानिब से। भाई औरत कब्जा करे या ना करे, दोनों सूरतों में एक ही मसला है, तवज्जो है। तो बहरहाल मकबूज वाली सूरत में देख लें, निस्फ मकबूज जब औरत ने सारे पर कब्जा किया फिर सारा खावंद को वापस कर दिया, तो खावंद का हक क्या था? निस्फ मकबूज उसके पास वापस आना चाहिए, निस्फ, और जब औरत ने वो सारा सामान वापस किया है तो निस्फ मकबूज भी वापस आ गया या नहीं? क्योंकि ये तो वो चीजें हैं जो तायीन से मुतायन हो जाती हैं, अगरचे सबब बदल गया लेकिन चीज तो वही है। भाई बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं वजहुल इस्तेहसान, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन हक्कहु इंद तलाकी, कि तलाक के वक्त खावंद का हक यह है सलामतुन निस्फिल मकबूजी, कि वो निस्फ मकबूज खावंद के लिए सलामत रहे, यानी इसको वापस मिल जाए। मिन जिहतिहा, किसकी तरफ से? औरत की तरफ से। याद रखो ये मिन जिहतिहा की कैद लगाई है, मसलन उस औरत ने यह सारा सामान आगे बेच दिया था और उस आदमी जिसने खरीदा था उसने वो सारा खावंद को वापस कर दिया, तो अब खावंद को सारा मिल तो गया और खावंद का हक तो निसफ था, तो जब सारा मिल गया तो निसफ में मिल गया, लेकिन क्या उस औरत की तरफ से मिला या ये किसी और की तरफ से मिला है? ये तो किसी और की तरफ से मिला है। खावंद का हक तो यह था कि बीवी की तरफ से निस्व मकबूज सलामत रहना चाहिए था, लिहाजा अगर किसी और की तरफ से मिला है तो फिर खावंद रुजू कर सकता है। बात समझ में आ गई?
यह माना है कि नहक़हु इंद तलाकी के तलाक के वक्त खावंद का हक यह है सलामतु निस्फिल मकबूजी कि निस्फ मकबूज जो है खावंद के लिए सलामत रहे मीन जिहतिहा उस औरत की जानिब से वक़द वसला इलैही और तहकीक ये निस्फ मकबूज तो खावंद को पहुंच गया है इसको मिल गया है वलिहादा लम यकुन लहा दफ़ उशै इन आखारा मकान हूं और इसीलिए औरत का यह हक नहीं है कि वो कोई और चीज दे दे मकान हूं इस सामान की जगह। जब यह सामान औरत के पास मौजूद है खावंद ने दिया है औरत ने कब्जा कर लिया दिरहम और दीनार तो मुतायन नहीं होते लेकिन यह सामान तो मुतायन है जब यह मुतायन है तो इसी का आधा खावंद को वापस करना पड़ेगा। इसके इवज औरत कहे नहीं ये सामान मैं खुसारा रखूंगी तुम्हें मैं आधे की कीमत दे देती हूं नहीं खावंद का हक ये मुअय्यन चीज है ये ही वापस करना पड़ेगी। बात समझ में आ गई यानी जबरन ऐसा औरत नहीं कर सकती जी। कि अगर खावंद राजी है ठीक है सामान तुम रखो मुझे पैसे दे दो आधे तो वो तो ठीक है लेकिन औरत जबरन कहे नहीं मैं किसी सूरत सामान वापस नहीं दूंगी तुम्हें पैसे ही लेने पड़ेंगे तो कहते हैं नहीं औरत का ये हक नहीं है क्योंकि खावंद का हक इस निस्फ मकबूज में है और वो चीज तो खुद मौजूद है लिहाजा वही वापस करना पड़ेगी। कहते हैं वली हादा और इसी वजह से लम यकुन लहा औरत के लिए यह जायज नहीं है कि दफ उशै इन आखरा मकान हो कि वह कोई और चीज इस सामान की जगह पर दे दे बिखिलाफ मा इदा कान अल महर दैनन बखिलाफ उस सूरत के जब महर दैन होता था वो पहली सूरत जब महर 1000 था खावन ने सारा बीवी को दे दिया औरत ने कब्जा करके वापस किया तो वहां हमने क्या कहा था कि खावंद निसफ में रुजू करेगा क्योंकि औरत ने जिस पर कब्जा किया था वो और दिरहम और दीनार थे और जो खावंद को वापस किए हैं वो और दिरहम और दीनार हैं तो जो देन उसके जिम्मे था वहां जब औरत हिबा करती थी तो वहां खावंद को अपना हक नहीं मिला और यहां तो सामान है जो तायीन से मुतायन हो जाता है और बेआईन ही वही सामान खावंद को वापस मिल चुका है भाई। तो कहते हैं बिखिलाफ मा इदा कान अल महर दैनन बखिलाफ उस सूरत के कि जब महर दैन हो वहां खावंद निसफ में रुजू करता था अगरचे वो सारा वापस कर दिया था फिर भी वो रुजू कर सकता था वह बिखिलाफ मा इदा बात मिन ज़ौजिहा और बखिलाफ उस सूरत के जब वो खावंद के हाथ उसको बेच दे। याद रखो बा का सिला मिन आता है इदा बात मिन ज़ौजिहा ये मिन सिला है बा का जिसके हाथ कोई चीज बेची जाए उस पर मीन दाखिल करते हैं। मसलन मैं कहता हूं बिअतुल किताबा मैंने किताब बेच दी किसके हाथ बेची जैद के हाथ तो मैं यूं कहूंगा बिअतुल किताबा मीन जैदिन मैंने ये किताब बेच दी जैद के हाथ पर। जैसे इश्तराइतु का सिला मीन आता है इश्तराइतु मीन जैदिन मैंने जैद से खरीद लिया तो जैसे इश्तराइतु का सिला मिन आता है इसी तरह बियातु का सिला भी मिन आता है और यह उस शख्स पर दाखिल होगा जिसके साथ बै की है जिसके हाथ पर वो चीज फरोख्त की है। तो कहते हैं वह बिखिलाफ मा इदा बात मिन ज़ौजिहा और बखिलाफ उस सूरत के जबकि औरतें वो सामान बेच दिया हो मिन ज़ौजिहा अपने खावंद के हाथ महर सामान तय हुआ था मसलन 50 थान थे कपड़े के खावंद ने वो औरत को दे दिए फिर औरत ने वो थान खावंद को बेच दिए पैसे ले लिया उनके और फिर खावंद ने सोहबत से पहले तलाक दे दी तो इस सूरत में अब देखो खावंद को तो वो थान मिल चुके हैं अब आप ये नहीं कहेंगे खावंद को ऐन उसका हक मिल गया क्योंकि थान तो तायीन से मुतायन हो जाते हैं और खावंद को वो मिल चुके हैं। बात समझ में आ रही है क्यों क्योंकि खावंद का हक यह था कि उसको बिला इवज के वो मिलने चाहिए थे और यहां थान तो उसको इवज के साथ मिले हैं गोया खावंद को अभी भी उसका हक नहीं मिला तो वो रुजू कर सकता है। यह माना है वह बिखिलाफ इमा इदा बात मिन ज़ौजिहा और बखिलाफ उस सूरत के जबकि औरत वो सामान बेच दे अपने खावंद के हाथ ले अनहू वसला इलैही बि बदलिन इसलिए क्योंकि यह सामान खावंद को पहुंचा है बि बदलिन बदल के इवज में हालांकि वैसे मिलना चाहिए था लेकिन यह बदल के इवज में मिला है लिहाजा अभी भी खावंद रुजू कर सकता है। बात समझ में आ गई आगे देखिए वलौ तज़व्वजहा अला हयवानिन औ उरूज़िन फिज़्ज़िम्मति फकदालिकल जवाब दूसरी सूरत भाई एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया किसी हैवान पर
हैवान की जिंस मुतायन होनी चाहिए। हैवान में तो बकरी भी आ जाएगी, हैवान में तो गाय भी आ जाएगी, घोड़ा भी आ जाएगा, ऊंट भी आ जाएगा। तो सिर्फ हैवान नहीं कहा, जिंस बाकायदा मुतायन की कि मैं तुम्हें एक गाय दूंगा महर के तौर पर या मैं तुम्हें एक घोड़ा दूंगा महर के तौर पर। अब देखो उसने जिंस बताई है, किस किस्म का होगा यह तो नहीं बताया। घोड़े तो अदना भी हो सकते हैं, मुतवस्सित भी हो सकते हैं, आला भी हो सकते हैं। तो घोड़ा तो जिक्र किया लेकिन किस किस्म का होगा घोड़ा यह मजहूल है, इसका पता नहीं। या इसी तरह कोई सामान जिक्र किया कि मसलन तुम्हें मैं फुला किस्म के कपड़े के 50 थान दूंगा, तो अब वो सामान जिक्र किया। अब यहां देखो वो मुतायन नहीं, घोड़ा या गाय वहां मौजूद नहीं है, वैसे कह रहा है मैं तुम्हें एक गाय दे दूंगा या कह रहा है मैं तुम्हें 50 फुला किस्म के कपड़े के थान दे दूंगा। तो अब वो कपड़े के अंदर भी मुख्तलिफ क्वालिटियां होती हैं, अदना भी हो सकता है, आला भी और मुतवस्सित भी। तो याद रखो अगर इस तरह बेअ की जाए तो बेअ फासिद है, क्योंकि इस सूरत में बाय और मुश्तरी में झगड़ा होगा। मसलन बाय कहते हैं मैंने तुम्हें 1,00,000 में मैंने एक घोड़ा फरोख्त कर दिया, तो याद रखो ये बेअ फासिद है क्योंकि घोड़ा वहां मौजूद नहीं है। बाय बाद में चाहेगा मैं अदना सा घोड़ा दे दूं और मुश्तरी चाहेगा मुझे आला घोड़ा मिलना चाहिए, तो बाद में लड़ाई झगड़ा होगा। लिहाजा बेअ के अंदर जिहालत काबिले कबूल नहीं। बेअ की बुनियाद तंगी पर होती है, बेअ की बुनियाद तंगी पर होती है। भाई मुश्तरी बाय से बहस करता है कि इतने की ये चीज दे दो या इतने पैसों की दे दो, तो बेअ की बुनियाद तंगी पर होती है। लिहाजा वहां पर अगर जहालत आएगी तो वहां झगड़ा होगा, और जो भी बेअ झगड़े तक पहुंचाने वाली हो वो फासिद है। तो लिहाजा ये बेअ भी फासिद होगी अगर जानवर की तायीन नहीं की, वो मुतायन नहीं है। और इसी तरह सामान में भी है, लेकिन निकाह की बुनियाद नरमी पर है, इसलिए क्योंकि निकाह के अंदर असल मकसूद माल नहीं होता। तो अब एक शख्स एक औरत से निकाह करता है और कोई हैवान जिक्र करता है कि मैं तुम्हें महर के तौर पर एक गाय दूंगा या मैं महर के तौर पर तुम्हें फला किस्म के 50 कपड़े के थान दूंगा, तो इस सूरत में भी मसला ऐसे ही होगा। यानी खावन 50 थान ले आया, अगरचे मुतायन नहीं थे, लेकिन जब आकर औरत के हवाले करेगा तो अब ये थान क्या हो गए, मुतायन हो गए। तो और फिर वो औरत सारे वापस कर देती है तो खावन को अपना हक मिल गया, उसको भी निसफ थान मिलने चाहिए थे तलाक की वजह से, और जब सारे मिल गए तो निसफ भी उसके अंदर आ गए। तो कहते हैं वलव तजा हुआ जहा अला हैवानिन, और अगर खावन ने निकाह किया उस औरत से किसी हैवान पर, यानी उसकी जिंस मुतायन है, अरूज इन फिस जिम्मती, या ऐसे सामान के बदले जो खावन के जिम्मे में है, यानी मुतायन नहीं है, वहां पर मौजूद नहीं है कि फला किस्म के 50 थान में दूंगा, फकदालिकल जवाब, तो भी जवाब इसी तरह है, यानी सूरत मसला इसी तरह है, चाहे औरत कब्जा करके वापस करे चाहे कब्जे से पहले माफ कर दे। कहते हैं लिअन्नल मकबूज़ा मुतायन फिर रद्दी, इसलिए क्योंकि यहां पर भी जिस पर कब्जा किया गया वो मुतायन है फिर रद्दी वापस करने में, वहां लिअन्नल जहालत तो हुम्मिलत फिन निकाही, और ये इसलिए क्योंकि ये जो जहालत है यानी कि हैवान किस किस्म का होना चाहिए या सामान कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए, तो ये जो जहालत है ये कहते हैं निकाह में बर्दाश्त कर ली जाती है। बेअ की बुनियाद तंगी पर होती है, उस बेअ में ये इस किस्म की जहालत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन निकाह की बुनियाद नरमी पर होती है क्योंकि निकाह में माल मकसूद नहीं होता, तो इसलिए निकाह में इस तरह की जहालत बर्दाश्त कर ली जाएगी। कहते हैं लिअन्नल जहालत तो हुम्मिलत फिन निकाह, इसलिए क्योंकि ये जहालत जो है ये निकाह में बर्दाश्त कर ली जाती है, फइदा उय्यिना, फिर जब उसकी तायीन कर दी जाएगी। मसलन वो 50 थान ले आया, अब औरत के हवाले कर रहा है, तो अब पहले तो मुतायन नहीं थे लेकिन अब तो क्या हो गए, मुतायन हो गए, तो यही थान जब खावन को औरत वापस करेगी तो खावन का हक अदा हो गया। या वो जानवर जब वो ले आया औरत के हवाले जब कर रहा है, तो पहले तो जानवर मुतायन नहीं था लेकिन अब तो जब कब्जा औरत ने किया मुतायन हो गया, तो इसी का निसफ खावन को वापस मिलना चाहिए था, और जब औरत ने सारा जानवर ही वापस कर दिया तो खावन का जो निसफ हक बनता था वो उसको मिल गया। भाई तो कहते हैं फैदा हो ये ना, तो जब उस वो चीज मुतायन हो गई तो यसीर तो इसी तरह हो गया का अन्न तस्मिया था वकात अलैही, गोया के तस्मिया इसी पर वाके हुआ था,
यानी गोया इसी को महर मुकरर किया गया था निकाह में। भाई निकाह में उसने कहा तो था मैं तुम्हें एक घोड़ा दूंगा जी। तो मुतायन नहीं, आला मुतवसित या अदना। बात समझ में आ गई? तो एक तो ये याद रखो इस सूरत में फुकाहा फिर फरमाते हैं मुतवसित दर्जे का हैवान देना पड़ेगा। या इसी तरह कपड़े की किस्म तो बता दी लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं बताई तो वहां भी मुतवसित दर्जे का कपड़ा मुराद होगा। बात समझ में आ गई? तो अब सूरत यह है निकाह किया है वो जानवर भी मुतायन नहीं, वो 50 थान भी मुतायन नहीं, लेकिन जब लाकर हवाले कर देगा तो ये क्या हो जाएंगे? मुतायन। और यूं समझा जाएगा इसी जानवर पर इनका निकाह हुआ था, निकाह के वक्त ही गोया इन्होंने इस जानवर को क्या किया था? मुतायन किया था। तो ये माना है फैदा उयना, तो जब वो चीज मुतायन हो जाएगी औरत के कब्जे की वजह से तो यह सीर तो ये ऐसे ही हो जाएगा का अन्न तस्मिया तवकात अलैही, कि गोया तस्मिया इसी पर वाके हुआ था, यानी इसी को निकाह में मुकरर किया गया था। हासिल कलाम यह है कि जब निकाह किया जाए ऐसी चीज पर जो तायीन से मुतायन हो जाती है, जैसे सामान है या जानवर वगैरह, वो चाहे मुतायन हो सामने पड़े हो या खावंद के जिम्मे में आ जाएं, दोनों का एक ही हुक्म है। खावंद को वो चीजें अब बीवी ने जब वापस कर दी तो बीवी की तरफ से चीजें मिली हैं और बगैर इवज के मिली हैं, लिहाजा खावंद का हक अदा हो गया, अब वो बीवी पर रुजू नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।